हाय, मेरा नाम है श्रेयांश। और कैसे हो आप सभी लोग? मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने एक लाइव सेशन में, जहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चंस सारे पूछते हो। तो चलिए, अगर आप में से कोई अभी तक लाइव ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ आप जितना भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। और अगर कोई इशू आ रहा हो अभी तो आप तुरंत बता दो मेरे को। ठीक है, भाई रिफ्लेक्शन भाई क्या हो गया? आपको क्या इशू है? आप एक बार फिर से बताओ। आवाज आ रही मेरी सही? एक बार मेरे को कंफर्म करो कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। आई एम आई ऑडिबल? भाई स्क्रॉल इशू हो रहा है। हाँ स्क्रॉल इशू, आई मीन देखो, पहली बात तो आप लोग ये कंफर्म करो कि ऑडियो ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रही या ज़्यादा धीरे तो नहीं आ रही। सही आ रही है ना आवाज़ मेरी? थोड़ा सा बढ़ा दूँ इसको। ठीक है चलो, अब बताओ आपका क्वेश्चन क्या क्या है आप लोगों का, क्योंकि भाई ने पूछा है कि भाई भीख मांग रहा हूँ प्लीज़। ओके, वेरी लो ऑडियो, अभी सही है? अभी बता दो आप लोग, अभी सही है? चलो ठीक है, और अगर थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना हो तो बता देना आप लोग। ठीक है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ पूछ लो मेरे से। अभी भी लो है? अच्छा मैं ऐसा ही कर देता हूँ। अभी बता दो आप लोग, अभी सही है? चलो ठीक है, ओके मैं एक बार थोड़ा सा और इसको सही करता हूँ इसको। अभी सही है? हाँ, सचिन जी का क्वेश्चन है, हाउ टू वाइट लेबल ऐप यूजिंग फ्लटर फ्लो एंड गिट। वाइट लेबल ऐप करना है मतलब, आप तो जब भी फ्लटर फ्लो से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो तो वो वाइट लेबल में ही रहता है, कहीं उस पर उसका फ्लटर फ्लो का कहीं भी ब्रांडिंग नहीं रहती है यार उस पर। आप जब वेब का करते हो काम तब आप में उसमें ब्रांडिंग रहती है, लेकिन आपको नॉर्मल जब आप एक्सपोर्ट करोगे अपने ऐप को तो वहाँ पर कहीं भी ब्रांडिंग नहीं रहेगी उसका। भाई मैं बस में हूँ, 1 आवर लगेंगे मेरे को पहुँचने में। कोई बात नहीं आप रिफ्लेक्शन भाई, कोई बात नहीं, आप आराम से चले जाओ। ठीक है, मैं ये स्ट्रीम काफ़ी देर से चलाऊँगा तो आप लोग उसके लिए, आप उसके लिए परेशान ना होना। वैसे सबसे एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं काम करूँ हो सकता है गिफ्ट कर दूँ मेम्बरशिप, बट यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। आई मीन यूजिंग वन कोड, एक बार आप फिर से बताओ ज़रा। आई वॉन्ट टू मेक, आई वॉन्ट टू मेक 100, यस मे ऐप। एक मिनट, मैं सचिन भाई समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। आई वॉन्ट टू मेक 100 मी ऐप। सचिन भाई आप एक बार फिर से इसको लिखो सही से। और समर भाई का क्वेश्चन है, फ्लटर फ्लो बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल बनाओ। ठीक है, मैं बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कमेंट मेरे पास बहुत दिन से आ रहा था कि मेरे पास कोई सीक्वेंस वाइज कोई ट्यूटोरियल है नहीं, तो अब ज़्यादा मतलब आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो अब से हम लोग एक मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा जहाँ पे बेसिक टू एडवांस आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको जो है गिटहब में अपने ऐड कर लेता हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को ये दिया हुआ था लिंक कि जहाँ पे आप लोग अपना जो भी क्योरी हो उसे ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको। ठीक है, इश्यूज़, ओके, कस्टम मैसेज का था, एक नया इशू मैं ऐड कर देता हूँ। ये इशू है आपका फायर बेस कंप्लीट कंप्लीट ट्यूटोरियल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इन सीक्वेंस। ठीक है, मैं ये बनाऊँगा। ठीक है,
मैं इसको फायरबेस का नहीं, इसको मैं कर देता हूँ आपका न्यू टॉपिक में, ठीक, सबमिट न्यू इश्यू कर देते हैं। सी आई हैव क्रिएटेड अ परफेक्ट ऐप, नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर देन 100 ऐप यूजिंग सेम कोड। नहीं यार, ये तो पॉसिबल नहीं है आप सचिन भाई, ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ऐप से, एक कोड से आप 100 अलग तरह से ऐप बना पाओ, वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज होती हैं प्राइवेट फ्लटर फ्लो की, अगर आप उसको हटा दोगे तो आपका ऐप जो होगा वो काम करना बंद कर देगा, तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा लिंक पे इश्यूज हैं भाई, मेरा लिंक पे इश्यूज है, देखो देख लो। ओके, आपने कौन सा इशू डाला था, आप एक बार मेरे को रिफ्लेक्शन भाई, आप लोग एक बार, आप एक बार मेरे को बता दो कहाँ पे इशू था आपका, लिंक पे इशू है और किस नाम से था आप वो बता दो। मैं यहाँ पे 3 ओपन इश्यूज देख पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। या तो एक मैंने इशू साइड बार फिल्टर, नहीं, ये भी नहीं है आपका। अगर ओके, एक लोग का क्वेश्चन है, सर ये फ्री है क्या? नहीं राम भाई, ये फ्री नहीं है। अगर आप इसको फ्री लेना चाहते हो तो आप, आपके पास एक स्टूडेंट आईडी रहना चाहिए। आप उस स्टूडेंट आईडी से, आप उस स्टूडेंट आईडी का यूज़ करके 1 ईयर का फ्री ले सकते हो, ठीक है। फायरबेस सिक्योरिटी रूल्स में 3 कमेंट आया है, ठीक है। ओके, भास्कर जी का ये क्वेश्चन था तो उनका तो मैंने सॉल्व कर दिया था, बाकी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ बता देना सचिन। बट कंपनीज लाइक क्लास प्लस एफ एक्स डू सेम थिंग यूजिंग द फ्लटर एंड रिएक्ट। ओके सर, बट कंपनीज लाइक क्लास प्लस एफ एक्स डू सेम थिंग यूजिंग फ्लटर एंड रिएक्ट। ओके, मैं इतना ज़्यादा कन्फर्म नहीं हूँ सचिन भाई इसके रिगार्डिंग। आप एक बार, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप ये क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ। एपेक्स नाम की कंपनीज है, ओके। ये तो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट गेम हो गया ये तो। कंपनीज है क्लास प्लस, ओके ये भी देख लेता हूँ क्लास प्लस। समर भाई, मैं आपको बता रहा हूँ अभी ऐप में कैसे ऐड लगाते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, मैं इसको देख रहा हूँ आप क्लास प्लस। ओके चलो, मैं इसको देखता हूँ अभी, ठीक है। मैं पहले इनके क्वेश्चन पे आ जाऊँ। ऐड कैसे लगाते हैं फ्लटर फ्लो ऐप में, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ऐड लगाने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है फ्लटर फ्लो के अंदर, जो है आपका ऐड मॉप का, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐड मॉप का iOS की और एंड्रॉयड की, जो आप ऐड यूनिट जब क्रिएट करते हो तब मिलता है, आपको यहाँ पे सिर्फ इंटर करना है उसको। उसके बाद अगर आप इंटरस्टिशियल ऐड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे मान लो हमको लगाना है, यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड डाल देना यहाँ पे, ठीक है। ऐड आओगे, यहाँ पे आओगे इंटीग्रेशन के अंदर, देन आपका ऐड मॉब आएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे लोड इंटरस्टिशियल ऐड कर सकते हो, उसके बाद आपको 100 इंटरस्टिशियल ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का यूज़ करके आप एडवर्टीजमेंट अपने ऐप के अंदर लगा सकते हो। वैसे लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ फ्लटर फ्लो में सिर्फ और सिर्फ आप इंटरस्टिशियल ऐड लगा सकते हो, आपके पास कोई रिवार्ड ऐड और इस टाइप का ऐड नहीं रहेगा। इसलिए आपको अगर रिवार्ड ऐड लगाना है या तो बैनर ऐड, वैसे बैनर ऐड है आपके फ्लटर फ्लो में, बट उसके अलावा भी से ऐप ओपनर का ऐड हो गया, ये सारे अगर ऐड्स लगाने होते हैं तो आपको कस्टम कोड करना पड़ेगा, जो मैं आपको आने वाली फ्यूचर वीडियोस में बता दूंगा किस तरह से करना है उसे, ठीक है। सचिन सॉरी समर भाई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं जो आप क्वेश्चन पूछे थे। ओके, मैं सर्च, मैं क्लास प्लस को सर्च करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और क्लास प्लस मैं सर्च करूँ तो आप इसकी बात कर रहे हो, राइट, ठीक है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, वैसे देखते हैं क्या ये। क्लास प्लस है, मैं एक बार आपका क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। ये बट कंपनीज लाइक, ओके ये सर आई हैव क्रिएटेड अ परफेक्ट ऐप, नाउ आई वांट टू क्रिएट मोर देन 100 ऐप्स यूजिंग द सेम कोड। ओके, ये समझ काफ़ी
समझ नहीं आ रहा मेरे को ये, आई हैव क्रिएटेड अ परफेक्ट ऐप एंड नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर देन 100 ऐप यूजिंग द सेम कोड। अच्छा मतलब आप ऐसे कह रहे हो क्या कि जैसे क्लास प्लस जो आपका है उस पर आप रजिस्टर कर लेते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, ऐप का नाम डालते हो, उसके बाद वो कस्टमाइज तरह से आपको ऐप बिल्ड करके दे देता है, आप ऐसा ही कह रहे हो ना? आप एक बार सचिन भाई मेरे ये बताओ, आप ऐसा ही कहना चाह रहे हो ना? मतलब सिर्फ आपको वहाँ पे, भाई फ्लटर फ्लो में, भाई फ्लटर फ्लो में मिस्ट्रल भी कैसे कनेक्ट करें फायर बेस में LLM? साहिल भाई आप एक बार थोड़ा सा इसको सही से लिखो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखे हो आप। सचिन क्लास प्लस इज़ इंडियाज़ नंबर वन, हाँ समझ गया, हाँ, वो सचिन भाई मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो। तो देखो होता क्या है ना कि आपको एक तरह से APIs और APIs बनानी पड़ेंगी सबसे पहली चीज़, ठीक है? उसके बाद जहाँ पे भी आपको कस्टमाइजेशन करना है वहाँ पे आपको जो रिक्वेस्ट ले रहे हो यूज़र से उसे वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आपका जो ऐप है वो कस्टमाइज होता रहेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा बड़े लेवल की चीज़ है, जो फ्लटर फ्लो जिस तरह से आपका काम करता है सेम उसी तरह है, ठीक है? इसको मैं कभी और बनाऊंगा वीडियो में जिसमें कॉम्प्लेक्स ऐप डिज़ाइन करेंगे हम लोग API का, कस्टम API बिल्ड करके, तब उसमें आपका ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और कमेंट आया है क्लास प्लस लाइक अन अकेडमी, हाँ भाई फ्लटर फ्लो सीखने में कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली सैयद भाई फ्लटर फ्लो सीखने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है वैसे, अगर आप पहले से, अगर आपको नॉलेज है कि मोबाइल ऐप्स कैसे काम करते हैं और फायरबेस कभी आपने सुना हो या तो आपने वर्डप्रेस पे काम किया हो, तो आपको आराम से 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है? 3 महीने में आप सीख जाओगे अगर आप प्रॉपर तरह से काम करते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको फ्लटर फ्लो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब आपको डेली अगर आप चाहो तो ऐप बनाओ, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐप बनाओ, डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करो, इसलिए उसकी वजह से आपको प्रैक्टिस होती रहेगी उस सारी चीज़ों की। देन आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, फ्लटर फ्लो सीखने में दिक्कत हो रही है। सही है जी, फ्लटर फ्लो सीखने में दिक्कत हो रही है, ही कांट फॉलो ट्यूटोरियल सीम्स ओवरवेलमिंग। ओके, आपने ऐप बनाना कहाँ से ठीक है? मैं ऐप बनाना, हम लोग फ्लटर, मैं फ्लटर पे काम किया हूँ तो मुझे फ्लटर फ्लो में इशू नहीं हुआ था, ठीक है? फ्लटर फ्लो क्या होता है? फ्लटर विद नो कोड को समझ नहीं आ रहा है। समित भाई जो ये फ्लटर फ्लो है ना वो एक तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप ऐप बिल्डर है जो कोड करता है फ्लटर के अंदर, ठीक है? आपको अगर फ्लटर का नॉलेज होगा तो फ्लटर जो है एक तरह से हाइब्रिड कोड होता है, जहाँ पे आप एंड्रॉयड और iOS के साथ साथ वेब डेवलपमेंट भी आप सिंगल कोड बेस से करते हो। सिंगल कोड बेस का मतलब आपका कोड एक ही रहेगा, उससे आप तीनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप डिज़ाइन कर लेते हो, ठीक है? ऐप डिज़ाइन मतलब ऐप बिल्ड कर लेते हो, ठीक? तो फ्लटर क्या करता है आपका, ड्रैग एंड ड्रॉप करके उन सारे विजेट्स, उन सारे एलिमेंट्स को रखता है अपने पास और आपको जो कोड होता है वो एक्सपोर्ट करके दे देता है, ठीक है? समझ में आया समित भाई आपको? अगर अभी भी कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हो। सचिन श्योर थैंक्स, ओके। जाहिदुल इस्लाम भाई पूछ रहे हैं, भाई एक पेड कोर्स चालू करो फ्लटर फ्लो का A to Z। हाँ जाहिदुल भाई, मैं एक्चुअली यूडमी पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे यूडमी पे एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ रिसेंट में। वैसे ये बताना तो नहीं चाहिए था मेरे को, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो कोर्स हमारा है यूडमी वाला, ये वाला, ये पूरा A to Z रहेगा, वो भी सीक्वेंस में रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी सीक्वेंस में, कोई मेरा प्रोजेक्ट है नहीं, कोई ट्यूटोरियल्स नहीं है, तो ये ट्यूटोरियल्स रहेंगी और काफ़ी कम प्राइस में रहेगा, जैसे आप देखते होगे यूडमी में अराउंड 200-300 में ही, तो ये सीक्वेंस वाइज रहेगा, ठीक है? अगर आपको कुछ और इसमें ऐड कराना होगा, आप क्यूरिकुलम देख लो इसका पूरा, ठीक है? अगर आपको कुछ ऐड कराना होगा इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट करके अभी से बता दो कि इसके अंदर मुझे और क्या क्या ऐड करना चाहिए इस पहले बेसिक वाले जो कोर्स है हमारा उसके अंदर। आपको क्लाइंट मिलते हैं फ्लटर फ्लो में? हाँ ऑब्वियसली मुझे क्लाइंट मिलते हैं फ्लटर फ्लो में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इफ़ यू डोंट माइंड, भाई सचिन भाई पूछो यार, मैं माइंड क्यों करूँगा ऐसा? मेरा चैट भाई स्किप कर दिए रिफ्लेक्शन भाई, आपका चैट चैट आया नहीं है मेरे पास।
आप एक काम करो ना, आप एक बार रिफ्रेश कर लो। अच्छा, आपको गिटहब का लिंक चाहिए? कोई बात नहीं, मैं इसको दे देता हूँ। इसको मैं कॉपी करके आपके यहाँ दे देता हूँ, इसको आप ही इसको चेक कर लो, ठीक है? और जितने भी लोग हो, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो ऐसा कि जहाँ पे आपको चाहते हो कि आप कोई नए आइडिया पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊँ, तो आप यहाँ पे इसको इंटर कर दो, ठीक है? जो न मैंने अभी गिटहब का दिया है आपको, वहाँ पे आप इंटर कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं थोड़ा सा नीचे और क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या आ रहा है। भाई, LLM मॉडल AI, ओके। एक मिनट देखते हैं, और थोड़ा सा ऊपर आते हैं। लाइक वर्डप्रेस, समित भाई कह रहे हैं लाइक वर्डप्रेस। हाँ, वर्डप्रेस जैसा तो नहीं है, लेकिन एक तरह से ऐसे ही है, ठीक है? वर्डप्रेस में आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स इस्तेमाल करते हो थर्ड पार्टी का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप जैसे पेंट में काम करते थे ना आप, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। समित भाई देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास कई सारे एलिमेंट्स हैं जो ऐप में काम आते हैं, जैसे आपका टैब बार हो गया, कैरोजल व्यू हो गया, उसके बाद आपका टेक्स्ट हो गया, ये सारे ऐप में काम आते हैं। इसको आप यहाँ पे सिर्फ उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो ये आपका एक तरह से ऐप बिल्ड होता चला जाएगा, ठीक है? इसी को हम लोग नो कोड बिल्डर कहते हैं, और काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है इस समय ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भाई, LLM मॉडल, LLM AI मॉडल लाइक चैट जीपीटी जैसे ओपन सोर्स मॉडल 7B LLM चैट मॉडल कैसे यूज़ करें फ्लटर फ्लो में? हाँ साहिल भाई, आपको इसका एक API बनाना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी का LLM मॉडल हो गया या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है डाटा, तो आपको एक API बनाना पड़ेगा। उस API में आपको डाटा लोड करना पड़ेगा या डाटा फेच करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आप उसी API का यूज़ कर सकते हो अपने फ्लटर फ्लो के अंदर, ठीक है? आपने भी फ्लटर सीखा है विद कोड? हाँ, मैंने फ्लटर सीखा है विद कोड। फ्लटर इज़ गुड फॉर iOS एंड एंड्रॉयड, बट हाउ टू ऑप्टिमाइज इट फॉर वेब? सचिन भाई देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि फ्लटर जो है एंड्रॉयड और वेब के लिए, सॉरी एंड्रॉयड और iOS के लिए बहुत अच्छा है, पर वेब में उतना ज़्यादा इसका कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसका, क्योंकि वेब क्या है ना कि वेब में थोड़ा सा इशू आता है जब भी आप इसको रेंडर करते हो। और अगर आपको नॉर्मल मतलब एक वेब ऐप बनाना है, डैशबोर्ड टाइप का बनाना है, तो आपको फ्लटर यूज़ कर लो, ठीक है? अगर लेकिन आपको फ्रंट एंड बनाना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग नेक्स्ट जे एस इस्तेमाल किया करो। नेक्स्ट जे एस हो गया आपका, सी एस एस हो गया, एच टी एम एल हो गया, जो नॉर्मल एक वेब डेवलपमेंट का होता है वैसा, ठीक है? उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कोर्स का लिंक भाई, समर भाई अभी तो मेरे पास, अभी मैंने डाला नहीं है, तो जैसे ही डाल दूंगा मैं उसको अप्लाई कर दूंगा, अब मतलब आपको कम्युनिटी पे भेज दूंगा, ठीक है? देन आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सॉरी, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे है हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक मिनट, फ्लटर फ्लो में क्लाइंट को ऐप प्रेजेंट करने से पहले कोई किसी चीज़ पूरी पूरी करें, और इन सिंपल वर्ड्स हाउ टू प्रेजेंट योर ऐप टू क्लाइंट। मतलब अगर आपको ऐप क्लाइंट को देना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना आप, इसमें आप ऐप के अंदर बैकडोर जरूर बना लिया करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप ऐप बनाते हो, ठीक है, मेहनत करके आपने ऐप बनाया, लेकिन आपका जो क्लाइंट है ना, वो पैसा देने से इनकार कर देता है। तो आप एक तरह से बैकडोर जरूर बनाया करो अपने ऐप में। कब तक लॉन्च हो जाएगा ये यूडीमी वाला कोर्स श्रेयस भाई? ये कोर्स हो सकता है 2 दिन में लॉन्च कर दूँ, ठीक है? आप उसको देख लेना, मेरा कमेंट नहीं पढ़ा भाई। मैं थोड़ा सा आप लोग को वीडियोस जो है ना, थोड़ा सा पीछे मिल रही होंगी, और मैं बहुत ऊपर कमेंट में हूँ अभी। चलो, उसके बाद मोहम्मद इस्लाम भाई पूछ रहे हैं, वैसे जॉब सर्चिंग ऐप में जॉब प्रोफाइल क्लिक करने पे जॉब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन नेविगेट होने से नल शो करता है, तो आप एक चीज़ ध्यान दे लो, जहाँ पे आपको नल शो कर रहा है मतलब वहाँ पे डाटा नहीं है। तो आप एक बार कंटेंट मैनेजमेंट में जाके, कंटेंट मैनेजर में जाके आप वहाँ पे डाटाबेस इंटर कर दोगे, तो हो सकता है आपका जो नल वैल्यू है वो हट जाए। एफ एफ पे बैकएंड डेवलप होता है, LLM ऐप बना सकते हैं। नारायण भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको LLM पे काम करना है ना, तो आप इसका यूज़ करो, ये जो आपका फ्लो वाइज है, आप इसका यूज़ करो, ठीक है? ये मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, इस चीज़ का यूज़ करो। ये एक तरह से नो कोड LLM बिल्डर है, ठीक है? आप इसका यूज़ करो, और इसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हो अपने रेलवे वाली API जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है? और आगे बढ़ता हूँ वैसे, अगर सॉरी यार किसी का कमेंट भूल रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स हैं और मैं एक एक कमेंट करके आ रहा हूँ, तो काफ़ी पीछे हूँ अभी मैं। चलो, इसको और आगे देखते हैं थोड़ा सा, कहाँ पे था? हाँ, यूडीमी का कोर्स लिंक मैं दे दूंगा आपको, आप मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है भाई? मैं रिफ्लेक्शन देख लेता हूँ उसको।
आई वॉन्ट टू लर्न फ्लटर फ्लो फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, मैं इसका कोर्स ला रहा हूँ, तो आप लोग यूडमी पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है, हिंदी में रहेगा। ओके, मेरा कमेंट मिस कर दिया भाई आपका कमेंट। एक मिनट देखो। थैंक्स भाई, हाउ कैन आई लर्न फ्लटर विद कोड विदाउट कोड में क्या डिफरेंस होता है? फ्लटर विद कोड वर्सेज विदाउट कोड का मतलब ये होता है, देखो आप फ्लटर में कोड जब करते हो तो आप एक तरह से मतलब कमांड करते हो, कमांड रखते हो अपने ऐप के ऊपर। मतलब आपको कहीं भी इशू आएगा ऐप में, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इशू आएगा, तो आपको पता रहेगा कि भाई ये वाला चीज़ यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। लेकिन फ्लटर फ्लो में क्या होता है, लेकिन जो फ्लटर फ्लो में होता है आपका, ये ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो तुरंत ऐप बनाने में, लेकिन जिस तरह से फ्लटर में ऐप बनता है उस तरह से फ्लटर फ्लो में उतना परफेक्शन से नहीं बन पाता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्लटर फ्लो के साथ साथ आप लोग फ्लटर भी सीखते रहो, जिसकी वजह से आपका जो ऐप है अगर बाद में स्केल करना है तो उसको सही से कर पाओगे, ठीक है। हाँ भाई, यूडमी का कोर्स थोड़ा प्राइजेबल रखना भाई। देखो यूडमी का कोर्स, मैं देखो जैसे मैं अपने मतलब जो वेबसाइट्स पे जैसे मैं कोर्सेज वो सॉरी जो क्लोन बेचता हूँ मैं, वो भी प्राइजेस बहुत कम होती हैं। तो यूडमी में एक मतलब क्राइटेरिया ही $10 मुझे ऊपर रखना है, ठीक है। लेकिन जो कुछ आपका सीजनल डिस्काउंट चलता है हमेशा यूडमी पे, तो अराउंड वो 300 रुपये 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। एनी नो कोड बिल्डर फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, हाँ आपका ये बिल्डर डॉट ए आई है, वो उसका आप यूज़ कर सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। भाई मैंने अभी फ्लटर फ्लो सीखा है, सीख लिया है। अब मैं वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट है, तो अब मैं क्या करूँ भाई। मैंने अभी फ्लटर फ्लो सीख लिया है, मैं वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अब मैं क्या करूँ। मतलब कॉम्प्लेक्स है तो आप बनाओ, उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ ना। कोई बात नहीं, आपका ऐप अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप बनाओ उसको, क्योंकि उसी वजह से आप सीखोगे, ठीक है। अगर फ्लटर फ्लो में ऐप डाउनलोड कर लिया देन फ्लटर फ्लो पर मंथ प्लान लेना पड़ेगा? नहीं भाई शेख भाई, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार ऐप अपना एक्सपोर्ट कर लिए फ्लटर फ्लो से, तो आपका जो ऐप है, जो आपका कोड है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। आपको बार बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है फ्लटर फ्लो को। देन आते हैं गिटहब पे, इशू पोस्ट कर दिया स्क्रॉल नाम से, ठीक है। मैं गिटहब पे पोस्ट देख ले रहा हूँ आपका, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ इस आपका। ओके, ये स्क्रॉल इशू नाम से आपका हो गया है, तो मैं इसको डाल देता हूँ प्लानिंग में, ठीक है। ये जो वीडियो होगी 2 से 2 दिन के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। और किसी को भी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। और भाई आपसे अगर कुछ सवाल पूछना हो और कुछ दिक्कत आ रही हो हमको, या उसका सॉल्यूशन पूछने के लिए आपसे कांटेक्ट कैसे करें, डायरेक्ट ईमेल और इंस्टा? यार मेरे को तो, मैं इतना बिजी रहता हूँ ना कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है किसी का चैट देखने को। तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे मेल पे कर दो, ठीक है। आपको मेल मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। जैसे आपने आप ये मेरा लाइव देख रहे हो, तो वहाँ पे भी वीडियो में मैंने अपना मेल डाला हुआ है, ठीक है। तो आप उसका यूज़ करके देख सकते हो, आप मेरे मतलब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। देन आते हैं हम लोग, हाउ टू यूज़ रियल टाइम डाटा इन एफ एफ लाइव वेब सॉकेट। एक्चुअली ऑप्शन स्टार, एक्चुअली क्या है ना कि आपका भी फ्लटर फ्लो में कोई रियल टाइम डाटाबेस इंटीग्रेशन का कोई फीचर नहीं है। अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हो तो आपको कस्टम कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए। वेन यू विल लॉन्च कोर्स ऑन यूडमी? भाई बस 2 दिन रुक जाओ, आप बस 2 दिन वेट कर लो, ठीक है। भाई छोटा सा हेल्प है, प्लीज़ कर दो। भाई आप रिफ्लेक्शन भाई, आप एक बार लिखो कि क्या हेल्प चाहिए आपको, ठीक है। आप एक बार लिखो क्या हेल्प चाहिए, उसी के हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है। कैन वी कनेक्ट वर्डप्रेस ऑन आवर फेवरेट फ्लटर फ्लो इन एनी वे एग्जाम्पल? हाँ मैंने सचिन भाई, मैंने वीडियो तो बनाया हुआ है ना वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस को कनेक्ट करना फ्लटर फ्लो से एपीआई का यूज़ करके। आप चेक कर लो, मेरा वीडियो है, ऑलरेडी है मेरा वीडियो, बट उतना पुराना हो गया, शायद वो आउटडेट हो गया हो। तो एक काम और मैं कर लेता हूँ, मैं इसका आप लोग का रिक्वेस्ट और डाल देता हूँ यहाँ पे, वर्डप्रेस एपीआई नहीं, फ्लटर फ्लो, फ्लटर फ्लो बैकएंड विद वर्डप्रेस एपीआई, ठीक है। इसको भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, मैंने न्यू टॉपिक में डाल देता हूँ इसको, न्यू आइडिया में, ठीक है। द बैकएंड विल बी डिज़ाइंड इन वर्डप्रेस, ठीक है।
और सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, आपका भी नोट डाउन में कर लिया हूँ। हाँ भाई, जॉब सर्चिंग ऐप में डाल में ऑल डाटा परफेक्टली सेट आ रहे हैं, फिर भी नल शो कर हो रहा है। पैरामीटर सही तरह से सेट करा है, थोड़ा लाइव सॉल्यूशन देखो, दिखा दो ना प्लीज़। ओके भाई, जॉब सर्चिंग ऐप में आपका गिटहब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए कौन सा लैंग्वेज? भाई इसमें कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी, वो एक्चुअली मैं इसलिए बनाया हूँ कि आप लोग अपना जो भी इशू हो आपका, तो वहाँ पे आप सीधे उसको कमेंट कर पाओ। ठीक है, आप अपना इशू रजिस्टर कर लो कि वो मेरे को पता चल जाएगा, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, आप लोग को इस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उसको बस मैं लिस्ट करने के लिए किया हूँ उस पर। ओके भाई, जॉब सर्चिंग ऐप में ऑल डाटा परफेक्टली सेट रहा है, फिर भी नल शो कर हो रहा है, पैरामीटर भी सही है। ओके, मैं एक बार देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। जॉब फाइंडर वाले ऐप में ना आप लोग को इशू आ रहा है, तो चलते हैं जॉब फाइंडर वाले ऐप में। ये जॉब फाइंडर का जो ऐप है आपका, यहाँ पे जॉब फाइंडर, ये वाला ना आपका ऐप है। ठीक है, इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, कहाँ पे, किस पेज पे इशू आ रहा है, किस पे इशू आ रहा है आप लोगों को? इस्लाम भाई, अब एक बार मेरे को वो जाहिदुल भाई, आप एक बार मेरे को बताओ कि कहाँ पे इशू आ रहा है, किस पेज पे, तो मैं फिर उसको देखता हूँ। ठीक है, वही स्क्रॉल वाला अभी कर दो भाई। ठीक है, मैं एक बार वो भी देख लेता हूँ, स्क्रॉल वाला इशू जो आपका कमेंट किया आपने, स्क्रॉल इशू इसमें आते हैं, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। ठीक है, इन स्क्रॉल इसलिए ओके, ये आपका इशू क्या है। ठीक है, ये तो सही है, फिर इशू क्या आ रहा है? ओके, ये इशू है आपका, तो आप एक काम करो, अपने स्क्रॉलेबल में जो आपका बैकग्राउंड जो स्क्रॉलेबल है ना, उसके अंदर आप पहली बात तो प्राइमरी हटा दो। आप देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट, ये इशू होता है, आप ये इशू कभी कभी आ जाता है, मैं दिखा देता हूँ इसको आपको सही से। आप ये देखो, इसे मैं यहाँ पे ये क्रिएट ब्लैंक नहीं करता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो ये मेरा पेज है, ठीक है, ये मेरा एक एलिमेंट है, और इसके अंदर मैं इसको मैं रैप कर देता हूँ दूसरे कॉलम से। ठीक, एक कॉलम हमारा ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। अगर मैंने बैकग्राउंड कॉलम को अगर मैंने स्क्रॉलेबल दिया हुआ है, ठीक है, जब आप इसको स्क्रॉल करोगे ना, अगर मैं इसको डाटाबेस यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, हटा दिया, और इसको मैं अगर जो आपका एक कंटेनर है, इसको अगर मैं डुप्लीकेट करते करते चला जाऊँ, तो फिर आप ये देखो, आप तो ये आपका स्क्रॉलेबल हो रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे ना, स्क्रॉलेबल करने की कोशिश करोगे, तो आपका पूरा स्क्रॉलेबल नहीं होगा। उसको सॉल्यूशन ये है कि आपका यहाँ पे एक प्राइमरी ऑप्शन होता है, ये देखो आप, यहाँ पे आपको एक प्राइमरी ऑप्शन मिलता है, जैसे आपका ये भी स्क्रॉलेबल है ना, तो ये देखो आपको इशू आएगा, तो इसका प्राइमरी आप बंद कर दो। ठीक है, बंद जैसे कर दोगे आप, जैसे ही आप उसको बंद कर दोगे, वो इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, आपने फिर कोई कमेंट किया है ना, मेरा विजिट ट्री नीचे है इसके कमेंट में। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ वो भी। इन दिस वीडियो होल मोमो सेक्शन इज ऑटोमेटिकली स्क्रॉल्ड और आई डोंट नो वाट रॉन्ग, प्लीज हेल्प। ओके, अच्छा, आप एक काम कर सकते हो क्या रिफ्लेक्शन भाई, आप मेरे को मेल करो, इसका जो आपको लिंक है ना, इसका आप मेरे को मेल करो। ठीक है, आप मेरे को मेल करो, मैं इसका सॉल्यूशन अभी दे देता हूँ। आप मेरे मेल पे आप मेल करो, मैं फिर आपको एक लिंक दे देता हूँ, मतलब सॉरी, एक ईमेल देता हूँ आपको, वहाँ पे आप मेरे को इसमें एज अ यूज़र ऐड करो, फिर मैं सही करता हूँ इसको। ठीक है, आपको भाई इन ऐप अपडेट फीचर के साथ एक वीडियो बनाओ। ठीक है भाई, मैं इसको इन ऐप अपडेट का वीडियो बनाऊंगा, ये रिक्वेस्ट है मेरे पास पड़ी हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई। ओके,
आपको क्या लगता है फ्यूचर में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे है? फ्यूचर में अगर एंड्रॉयड में देखा जाए तो फ्लटर, ठीक है, अगर वेब में देखा जाए तो नेक्स्ट जेएस, यही सब फ्यूचर हैं। और पाइथन तो मशीन लर्निंग के लिए आता ही है। आई हैव क्रिएटेड फोर प्रोडक्शन ऐप जस्ट बिकॉज ऑफ योर फोन पे गेटवे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। जॉब प्रोफाइल टू जॉब डिस्क्रिप्शन पेज में भाई, ओके, जॉब प्रोफाइल टू जॉब डिस्क्रिप्शन वाले पेज में। ठीक है, मैं इसको फिर से देखता हूँ एक बार। यहाँ पे आते हैं जॉब फाइंडर वाले ऐप पे, ठीक है, जॉब ऐप। अब ओके, ये आपका जॉब प्रोफाइल टू जॉब फाइंडर, ओके, जॉब प्रोफाइल, सॉरी, जॉब प्रोफाइल टू जॉब डिस्क्रिप्शन पेज में। यहाँ पे क्लिक करके आप जा रहे हो किस वाले पेज में? आप जॉब डिस्क्रिप्शन वाले पेज में जा रहे हो, ठीक है, इसमें। ओके, तो देखो ये, आप ये देखो जॉब प्रोफाइल, ये जॉब प्रोफाइल से कहाँ जा रहे हो आप? ये जॉब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वाले पेज में, ठीक है, जॉब प्रोफाइल्स, ओके, यहाँ पे आप आ रहे हो, ठीक है। तो आप एक बार एक चीज़ कंफर्म करो कि यहाँ पे जो डाटाज दिए हुए हैं इस लिस्ट के अंदर, कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है? ओके भाई, मैं आप मेरे को यहाँ पे मेल कर दो, ठीक है, मैं फिर उसके बाद आपको जो हमारी पर्सनल लिंक होती है मैं उसको आपको भेज दूँगा, आप मेरे को इस मेल पे भेज दो। वैसे मेरा प्लान था आप लोगों ने किसी को जो हमारा प्रीमियम है हमारे चैनल का उससे वो मैं गिफ्ट करने का, लेकिन शायद मेरे को अभी ऑप्शन मेरा यहाँ पे ऑन नहीं हुआ है उसका, नहीं तो आप लोग को मैं एक प्रीमियम गिफ्ट कर देता। यहाँ पे और क्या क्वेश्चन आ रहा है भाई? फ्लटरफ्लो में रिवार्ड बेस्ड पॉइंट एडमॉप देखने से इंक्रीज करना है, ओके, पर आवर एक यूज़र्स 5 से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकता, ऐसी कुछ फंक्शनलिटी के ऊपर वीडियो बनाओ। भाई बहुत अच्छी टॉपिक आपने बताई है, तो ठीक है, इसका भी मैं ऐड कर देता हूँ। वैसे आप एक काम करो ना जाहिदुल इस्लाम भाई, आप एक काम करो, आप मेरे गिटहब का जो मैंने लिंक दिया था पेज का, आप वहाँ पे जाओ और जितने भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, जितने भी आपकी क्वेरी हैं, वहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, जितने भी आपकी क्वेरी हैं सब यहाँ पे लिख दो। मैं आपका ये भी कर लेता हूँ, ऐड मॉब रिवार्ड पॉइंट एंड बेस्ड ऑन टाइमिंग, ठीक है, क्रिएट अ फंक्शन फॉर एड मॉब वेयर अ पार्टिकुलर यूजर कैन ओनली सी लिमिटेड एड्स पर आवर, कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलो इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ न्यू टॉपिक, सबमिट इशू करते हैं, ठीक है। चलो ये भी आपका हो गया। ओके, ये हो गया आपका, क्योंकि ज़्यादा ऐड रिक्वेस्ट में एडमाउंट लिमिट आ जाती है ना? हाँ, इसमें तो भाई आ जाती है, तो उसको तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। यश मोदी भाई, है कैसे हो आप भाई? प्रोजेक्ट शेयर करने का टीम में ऐड करना हो है प्रोजेक्ट के, हाँ आप वो कर देना तो फिर मेरे पास प्रोजेक्ट आ जाएगा। बट इस ईमेल पे सिर्फ एक बार मेरे को मैसेज कर दो, हाय लिख के मैसेज कर दो, ठीक है, तो फिर मैं अपना जो ओरिजिनल यूआरएल होता है, सॉरी, ओरिजिनल जो ईमेल है फ्लटरफ्लो का, वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। भाई मैं अभी सुपर चैट किया, पैसा कट गया हुआ नहीं, मतलब सुपर चैट आपने किया? भाई मैं अभी सुपर चैट किया, ओके, पैसा कट गया हुआ नहीं? भाई मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं मोनेटाइजेशन मेरा कभी पहले हुआ नहीं था, और इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं इसके, यूट्यूब के मोनेटाइजेशन का क्या होता है क्या नहीं होता इसमें। तो अगर पैसा नहीं कटा होगा आपका तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा, अगर कटा होगा तो हो सकता है मेरे को, मेरे पास आ जाए वो, ठीक है। वैसे अभी बता दो, आपको आवाज़ मेरी सही आ रही है ना? कोई इशू नहीं है ना अभी?
चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से 10 o'clock का काफ़ी सही टाइम होता है आप लोग से लाइव जुड़ने के लिए, क्योंकि इस समय आप लोग भी आराम रेस्ट करते रहते हो, तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो आप आराम से पूछ सकते हो। साहिल जी का क्वेश्चन, भाई मेरा कमेंट क्यों छोड़ चले रहे हो? भाई मेरा कमेंट क्यों छोड़ रहे हो? आपका कमेंट आया था एक्चुअली। साहिल भाई, आप एक चीज़ नोटिस कर लो कि क्योंकि यूट्यूब पे ना क्या होता है कि आप अगर बार बार कमेंट करोगे तो वो कमेंट को स्पैम कर दे रहा है ये। तो मैं एक बार कमेंट आपका खोज देता हूँ, इसमें से कहाँ पे है कमेंट आपका। ठीक है, आपका कमेंट ये, आप एक, सॉरी यार, आप एक काम कर लो ना, आप एक बार फिर से कमेंट कर दो आप, क्योंकि दिख नहीं रहा है मेरे को। भाई जाओ सर्चिंग ऐप में, जो ऐप ड्रावर में उसका वेरीफाइड बैज में कंडीशन लगाना जिस पे मैं मैन्युअली इसको कर सकता हूँ, इसलिए मैं मेन यूज़र से चार्ज करूँगा। ओके, आप बहुत सही चीज़ आप निकाले हो उसमें, आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे इस समय आया ना ब्लू टिक लेने के लिए चार्ज देना पड़ता है, तो सेम आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर देना है, या तो आप स्ट्राइप यूज़ कर लो। वैसे जैसे ही आपका इंडिया में आपका रेज़र पे का जो पेमेंट गेटवे है अगर वो यूज़र एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, उसी दिन मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, रेज़र पे के लिए। साहिल भाई, आप एक बार क्वेश्चन आपका जो हो ना एक बार फिर से लिख दो आप, क्योंकि ये हटा दिया है आपके कमेंट को। भाई आप वेस्ट बंगाल से हो क्या? नहीं, मैं वेस्ट बंगाल से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हो आप। वैसे आज सिर्फ हम लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहता है। ठीक है, मैं मेल पे आपने भेज दिया है तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आपने मेरे को मेल पे भेजा है, ओके मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं, आपका नाम प्रशांत है राइट? प्रशांत सिंह। ओके, मैं इसको आपको मेल अपना ओरिजिनल वाला भेज देता हूँ, आप इसको इसमें मुझे ऐड कर लो। ठीक है, अगर अभी तुरंत ऐड कर पाओ तो तुरंत ऐड कर लो, तो मैं लाइव दिखा भी दूँगा आपको कैसे ये चेंज करना है, जो इशू आ रहा है उसको कैसे सही करेंगे। भाई मेरी कंट्री में रेवेन्यू कैट एंड स्ट्राइप एक्सेसिबल नहीं है, तो मेरे किस तरह से पेमेंट गेटवे करूँगा? भाई आप हो कहाँ से, आप एक बार बता दो तो उस हिसाब से मैं कोई पेमेंट गेटवे यूज़ करता हूँ। वैसे आप तब पेपाल यूज़ कर सकते हो, पेपाल तो शायद सभी कंट्रीज़ में अलाउड है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 11:30 बजे तक, स्ट्रीम तो मेरा मन है 12 बजे तक करने का, अगर आप लोग सपोर्ट करो तो। ठीक है, अगर आप लोग का सपोर्ट हो तो मैं 12 बजे तक कर लूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे को। वैसे मैंने आपको मेल कर दिया, आप चेक कर लो एक बार। भाई मेरी कंट्री में, ओके, आप एक बार अपनी कंट्री का नाम बता दो, तो उस हिसाब से मैं पेमेंट गेटवे खोज लेता हूँ। बांग्लादेश में, ओके ठीक है, मैं बांग्लादेश में आपका पेमेंट गेटवेज में चेक कर लेता हूँ। पेमेंट गेटवेज, टॉप 10 पेमेंट गेटवेज इन बांग्लादेश। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन था भाई, मैं बोल रहा हूँ कि फ्लटर फ्लो से अच्छा क्या है और कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन में कोई दूसरा, फ्रंट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप टूल सिखाया सीखूँ क्या? वेब फ्लो, देखो फ्लटर फ्लो के बाद आपका सबसे अच्छा है bubble.io। ठीक है, उसमें आप फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हो, आप मतलब सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हो उसमें वेब पेज के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, और सेकेंड आपका आता है वेब फ्लो, जैसे आपने अभी बताया है, तो
तो वेबफ्लो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने उसका प्राइस नहीं देखा है। ठीक है, तो चलो मैं इसको एक बार आपका चेक कर लेता हूँ। इसका बांग्लादेश में सबसे अच्छा पेमेंट गेटवे कौन है? यस, एसएसएल कॉमर्स नाम से है पेमेंट गेटवे ये। ओके, आपने नाम सुना है क्या इनसे, जो पेमेंट गेटवे यहाँ पे दिखा रहे हैं? क्योंकि मेरे को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। पेमेंट गेटवे इन बांग्लादेश, एसएसएल कॉमर्स। अब भाई जॉब सर्चिंग ऐप पे किस तरह से ब्लू टिक मैनुअली सेट करूँगा, थोड़ा लाइव दिखा दो ना प्लीज़। ओके, आपको मैनुअली सेट करना है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपका ये जो ब्लू टिक है ना, इसको करने के लिए आप एक काम करो, एक पेज बनाओ। ठीक है, पेज बनाओ और मेंबर को जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, जैसे ही वेरीफाई हो जाता है मेंबर, आपको सिर्फ डाटाबेस के अंदर उसको चेंज कर देना है। ठीक है, डाटाबेस देखो यहाँ पे क्या है, इज़ वेरीफाइड मैंने किया है ना, कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉय प्रोफाइल डॉक्यूमेंट से ले रहे हैं। मतलब अगर एम्प्लॉय का प्रोफाइल जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो वेरीफाइड नहीं होता है तो यहाँ पे ब्लू टिक नहीं दिखाना है। तो सिर्फ आपको इसे जो है चेंज करना होगा। इसे आप कर सकते हो जॉब एडमिन पैनल से, जो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, उससे आप कर सकते हो इस चीज़ को। हेलो, आई विजिटेड योर चैनल फॉर फर्स्ट टाइम, इंप्रेस्ड विद योर कंटेंट, आई विल क्रिएट वन ऐप, कैन यू क्रिएट फॉर दैट दैट फॉर मी? ओके, प्लीज़ शेयर चार्जेस एंड फॉर ऐप क्रिएशन। ग्लिस्टर आर गेमिंग, कैन यू प्लीज़ डोंट माइंड, कैन यू प्लीज़ सेंड मी योर रिक्वेस्ट ऑन दिस मेल। आई थिंक आई हैव पिंड द मेल हियर, बट लेट मी सेंड इट यू अगेन। एक्चुअली मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, तो सॉरी उसके लिए। ठीक है, आप ग्लिस्टर आर गेमिंग, जस्ट सेंड मी योर रिक्वेस्ट ऑन दिस मेल। भाई एसएसएल कॉमर्स पर ट्रांजेक्शन काटते हैं? हाँ यार, जाहिद इस्लाम भाई, एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया में भी वही है 2.5% का, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर कोई सी एक का आप बता दो किसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके, रॉकेट भी फेमस है। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ रॉकेट आपका, ROCKET, रॉकेट। अरे यार ये रॉकेट नहीं, क्या रॉकेट देख रहा हूँ मैं, पेमेंट गेटवे। रॉकेट, रॉकेट गेट, नहीं, ये चीज़ नहीं है। एसएसएल कॉमर्स का, ओके, एसएसएल कॉमर्स का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन बताना है आपको, एसएसएल कॉमर्स का। ठीक है, इसका देखते हैं एपीआई है या नहीं है। एपीआई तो होगा इसका, डेवलपर्स में आते हैं। ठीक है, इसमें एपीआई तो है इसका। एक्चुअली कुछ ऐसा बताओ आप, इसमें जो आपने अभी कंटेशन बताया पेमेंट के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आप एक बार उससे मुझे बता दो। क्योंकि मैं इंडिया का हूँ, तो मुझे पता नहीं ज़्यादा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती रहती हैं। तो आप एक बार मेरे को बता दो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन सब चीज़ों में, तो उसी हिसाब से मैं वीडियोस बना दूंगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई डिटेल हो इन सब चीज़ों का, तो आप एक बार मेरे को लिख के मेरे मेल पे भेज दो, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके अंदर सब पेमेंट गेटवेज आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं क्या है ये। जैसे हमारा रिजर्व पे होता है इंडिया में, वैसा ही सेम है। चलो कोई बात नहीं, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछो मेरे से। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन तो आप प्लीज़ पूछो। वैसे मैं आप लोगों के लिए ये जो हमारा कोर्स है वो जल्द ही मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछो। चलो आप लोग एक मेरा क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। आप सैंडबॉक्स में फ्री ट्रायल कर सकते हैं एसएसएल कॉमर्स का। ठीक है, मैं इसका वीडियो बना दूंगा तब। ठीक है,
आप लोग अपना जरा एक बार बैकग्राउंड डिटेल दो, कहाँ मतलब आप लोग किस फील्ड से हो आप लोग? फ्लटर एंड्रॉयड नॉन टेक्निकल, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? सॉफ्ट जॉब सर्चिंग ऐप में ऐप ड्राइवर का ब्लू टिक कंडीशन दिखा दो ना। ओके, ये कंडीशन आपको देखना है, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है भाई। ये देखो आप, यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल डॉक्यूमेंट जो हम लोग ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं अपना? इस वाले पेज से, मतलब डॉक्यूमेंट से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ किया क्या है कि जो ये आपका दिखाना है ना, इसको हमने बस इतना किया है कि अगर आपका जॉब वेरीफाइड है, आपका एप्लीकेशन वेरीफाइड है, देखो आपने इज़ वेरीफाइड हमने यहाँ बना के रखा है ना, अगर ये ट्रू हो जाता है तभी इसको हमें दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है, ठीक है। मान लो आपके जो यूज़र है उसका पेमेंट आपने ले लिया, तो सिर्फ इतना करना है कि पेमेंट होने के बाद इसकी जो वैल्यू है उसे ट्रू कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये बूलियन है, तो ये आपने जब ट्रू करोगे तो ये अपने आप यहाँ पे दिखाने लगेगा, ठीक। जैसे मैं एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली ये ना आपका जो ये है, क्या कहते हैं इसको, जो आपका प्रोजेक्ट है, इसको मैंने फायर बेस से हटा दिया है, इसलिए काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा इसे। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखता हूँ एक बार मैं, ओके, ये एक्चुअली मुझे सब कुछ फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये भी थोड़ा सा कुछ है आपका, अपडेट डॉक्यूमेंट करते हैं। ओके, ये क्या है आपका, ओपन करता हूँ इसको, सेट फील्ड लाइक, ओके, ये यूज़र का है। अच्छा, ये मैंने कंडीशनल एक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ये क्या है आपका, डिसलाइक का अपडेट डॉक्यूमेंट, क्या अपडेट कर रहा है, रिव्यू डॉक्यूमेंट, ओके, चलो कोई बात नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछो मेरे से। इज़ लाइव स्ट्रीम पॉसिबल? हाँ, लाइव स्ट्रीम मतलब, हाँ सचिन भाई, आप लाइव स्ट्रीम पॉसिबल मतलब, हाँ ओके। ग्लिस्टर आर यू, ओके, यू आर अ डाटा साइंटिस्ट, इट्स ग्रेट यार। ऐप ड्रावर का ब्लू टिक, ओके, ये वाला ब्लू टिक आपको ऐप ड्रावर का चाहिए, मतलब कहाँ वाला? अच्छा, ये वाला जो आपका ब्लू टिक है इसको चाहिए, ओके, ये चाहिए आपको, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप जो आपका यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल है उसमें जो आपका इज़ वेरीफाइड है, देखो बूलियन है, ठीक है, जब आपका पेमेंट हो जाए तो उसके बाद आप ये इसको यहाँ पे कंडीशन लगा दो। क्या लगाना है कंडीशन? यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, और जो आपका यूज़र है अगर वो वेरीफाइड है तो क्या करना है उसको, सिर्फ आपको ब्लू टिक दे देना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इज़ वेरीफाइड, इज़ वेरीफाइड, ठीक है, और ये रहेगा हमारा बूलियन। यहाँ पे कर देते हैं इसको ऐसे, यहाँ पे आते हैं और उसके बाद आते हैं अपने एडिट ड्रावर में, यहाँ पे आते हैं, इसको कर देंगे इस टाइप में, इज़ वेरीफाइड अगर है। वैसे एक मिनट, ये सेव नहीं हुआ क्या? ये इज़ वेरीफाइड, यहाँ पे आते सेटिंग में, ओ सॉरी, ये हमारा जो है लिंक नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो इज़ वेरीफाइड आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इज़ वेरीफाइड दिखाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे मेरा फायर बेस सही से सेटअप नहीं है तो ये दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे सीधे आना है आपको, कंडीशन पे आने हैं, सिंगल कंडीशन लगाना है यहाँ पे, ऑथेंटिकेटेड यूज़र में, ठीक है। जैसे मान लो आपका ईमेल वेरीफाइड जो फील्ड है, अगर वो आपकी इज़ वेरीफाइड वाली फील्ड है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे कर देना है इसको ट्रू, कि जब ये ट्रू हो तभी दिखेगा, नहीं तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है भाई। होम पेज का जो ड्रावर है, हाँ समझ गया भाई, मैं कर दिया उसको चेंज। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? वैसे एक चीज़ बता दो आप लोग कि कोई मेरा जो मतलब जो आप अभी लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, कुछ ऐड इंटरप्शन तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को? कोई ऐड इंटरप्ट तो नहीं कर रहे ना आपको? अगर कोई ऐड इंटरप्शन हो रहा हो, लाइक लाइव क्लासेस कैन वी डू इट, मतलब लाइव क्लासेस मतलब मेरे से लाइव क्लासेस, या तो फिर आप जैसे नॉर्मल क्लासेस मैं ले रहा हूँ वैसे आप बताओ मेरे को।
हाउ मच टाइम टेक टू लर्न फ्लटर फ्लो? एक्चुअली इट टेक अराउंड 2 to 3 month टू लर्न दिस प्लेटफॉर्म. इफ़ यू हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन फ्लटर देन यू कैन लर्न इट इन अराउंड 20 days, 22 days, राइट? हेलो सर, PDF में स्टडी मटेरियल की ऐप में बैकएंड कैसे कनेक्ट करें? PDF स्टडी मटेरियल ऐप में. एड्स आ रहा है भाई, मैंने अभी विराट कोहली की ऐड देखी, बोतल का ऐड कर रहा था. अच्छा, कोई बात नहीं. एक्चुअली क्या ना, मेरे को इतना मोनेटाइजेशन का आइडिया नहीं है कुछ, कि कैसे ये मोनेटाइज करता है, क्या होता है इन सबका, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे हूँ. मैं इससे पहले कभी यूट्यूब चलाया, मतलब इतना ज़्यादा यूट्यूब क्रिएटर हूँ नहीं मैं, तो मेरे कुछ आइडिया नहीं होता इन सब चीज़ों का. धीरे धीरे सीखूंगा किस तरह से ऐड कंट्रोल करते हैं, और आप लोग को भी सही रहेगी, ज़्यादा ऐड ना दिखे. हेलो सर, PDF स्टडी मटेरियल में के लिए बैकएंड कैसे कनेक्ट करें? PDF स्टडी मटेरियल के लिए बैकएंड कनेक्ट करना है, तो जैसे नॉर्मल बैकएंड कनेक्ट करता करते हैं आप लोग, वैसे ही करो आप लोग, ठीक है? जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे ही रखना करो आप. भाई लाइव टीवी स्ट्रीम ऐप कैसे बना सकते हैं फ्लटर फ्लो में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. लाइव स्ट्रीम ऐप अगर आपको फ्लटर फ्लो के अंदर बनाना है, तो आपका यहाँ पे कई सारे फीचर्स होते हैं. जैसे मक्स नाम का एक यहाँ पे है, आप देखोगे यहाँ पे, अब आप आओगे नीचे तो यहाँ पे मक्स नाम से एक विजेट मिल जाएगा आपको. यहाँ पे मैं देखता हूँ MUX करके, ये मक्स ब्रॉडकास्ट जो है ये लाइव के लिए है, ठीक है? जब भी आप यहाँ पे इसमें कुछ बनाओगे ऐसा लाइव का, लाइव करने वाला चीज़, तो यहाँ पे आपका इसका यूज़ पड़ेगा. और मक्स में आपको कैसे क्या करना है उसकी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो चलो इसको भी मैं ऐड कर ही देता हूँ, जैसे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही. जैसे आप लोग एक काम करो ना यार, आप लोग भी ऐड कर दो इसमें, ठीक है? यहाँ पे मक्स वीडियो, मक्स इंटीग्रेशन इन फ्लटर फ्लो, ठीक है? ये भी नया आइडिया है, तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ. वैसे यार आप लोग एक काम करो ना, जितनी भी आपकी आइडियाज़ हों आप यहाँ पे ऐड कर दो, और साथ साथ में मैंने यहाँ पे डिस्कशन का भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो भी नई चीज़ें आ रही हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए रख दिया हूँ, तो आप फ्री हो इसमें कमेंट करने के लिए, ठीक है? आपको कुछ भी डिस्कस करना हो तो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हो, ठीक? नेक्स्ट प्रोग्राम एक्चुअली व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई थिंक इट्स डैम, इट्स हिंदी, इट इज़ हिंदी. एक्चुअली सॉरी ब्रो, इट्स हिंदी बिकॉज आई कांट स्पीक इंग्लिश टू मच, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. भाई सर, हाउ टू मेक मेक एन ऐप हु कैन प्रोवाइड लाइव स्ट्रीम लाइक जूम, गूगल मीट? ओके, यू कैन, ओके सॉरी, आप मक्स जो मैंने अभी बताया आपको, उसका आप यूज़ कर सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बनाने के लिए, लेकिन उसका मैं वीडियोस आपको लेके लिए बना दूंगा, ठीक है? हाउ मच टाइम इट टेक्स टू लर्न फ्लटर फ्लो? आई एम न्यू इन फ्लटर फ्लो, आई ओनली नो पाइथन, आई विल वेब APIs फॉर मशीन लर्निंग. एक्चुअली दैट्स ग्रेट, आई वॉन्ट टू लर्न. इफ़ यू प्रोवाइड एनी क्लासेज ऑन इट जस्ट टेल मी, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू बिल्ड एन API फॉर मशीन लर्निंग और LLM ऐप टाइप, राइट? आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट दैट एज अ बैकएंड फॉर माई ऐप. ओके, यू कैन यू बिल्ड एन API.
अभी आवाज सही है। इज एवरीथिंग राइट? सब सही है अभी? ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। इज देर एनी वीडियो अबाउट, सर आई सॉ योर वीडियो अबाउट कोर्स सेलिंग, बट द थिंग इज हाउ कैन वी शो पीडीएफ? ओके, पीडीएफ मैंने आपको बताया यहाँ पे आप क्लिक करके। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद ऑडियो चली गई रही होगी। यहाँ पीडीएफ व्यूअर में आओगे आप, ठीक है, यहाँ पे अपना बैकएंड कनेक्ट कर देना, यहाँ पे क्लिक करके क्यूरी कलेक्शन करके यहाँ पे, ठीक है। बाद आपको यहाँ से सिर्फ इसका यूआरएल देना पड़ेगा, ठीक। आप यहाँ पे जब यूआरएल डाल दोगे तो जो भी यूआरएल के हिसाब से आपका ये रहेगा, पीडीएफ रहेगा, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से देखता हूँ। आप एक बार कोई बता दो कहाँ तक मैं पहुँचा था, क्योंकि ओके यहाँ पे फिर से आता हूँ। भाई कुछ प्रॉफिटेबल ऐप का आइडिया दो जिसमें मैं एडमाओ के ज़रिए अच्छा इनकम हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप बना सकते हो आपका वॉलपेपर ऐप या तो म्यूज़िक ऐप, क्योंकि बांग्लादेश में अगर म्यूज़िक का लाइसेंस सस्ते में मिलता हो तो आप उसका यूज़ करके एक म्यूज़िक प्लेयर अच्छा सा बना सकते हो, क्योंकि इस समय आपका बहुत ज़्यादा बूम पे है। बूम मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपका म्यूज़िक ऐप। और साथ साथ में अभी इस समय देखोगे कि आपका चैट जीपीटी का समय चल रहा है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा ऐप बनाओ जहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का टाइटल जनरेट करना हो, डिस्क्रिप्शन जनरेट करना हो, तो यूज़र आपके ऐप से करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर मस्क मक्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कैन वी कनेक्ट अमेजन AWS यूजिंग API? हाँ, आप कनेक्ट कर सकते हो अमेजन AWS, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप एक बार मेरे गिटहब पे जाके उसको लिस्ट आउट कर दो, ठीक है। वैसे आपको एक बार मैं फिर से दे देता हूँ लिंक। आवाज़ आ रही है ना सही? हाँ ठीक है, आवाज़ मेरी आ रही है। और इसमें आते हैं और मैं आपको एक बार लिंक कॉपी करके दे देता हूँ, तो आप यहाँ से आराम से इसे लिस्ट कर दो, ठीक है। भाई आपका साउंड नहीं आ रहा है। ओके, अब आ रहा है सही। ओके, पेड 1-to-1 डाउट सेशन चालू कर दो भाई प्लीज़। रिफ्लेक्शन भाई, पेड 1-to-1 डाउट सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे। एक्चुअली इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट, यू कैन जस्ट गो ऑन माई वेबसाइट एंड चेक इट फ्रॉम हियर। भाई बहुत दिन बाद इतना ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, आप ये वेबसाइट भी चले जाना, ठीक है। आपको यहाँ से मेरे जो वन वन ऑन वन कोर्सेज मतलब जो मीटिंग स्केल हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो आप यहाँ पे 1 आवर का है, 2 आवर का है, इस टाइप से है काफ़ी चीज़ें, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन है? वेब API कॉल, योर ऑडियो इज गॉन व्हाइल यू आर स्पीकिंग। ओके, मेरा कमेंट नहीं पढ़ा भाई साहिल जी, आपका कमेंट क्या था? फिर से मैं देखता हूँ एक बार। भाई एड्स के कोई दिक्कत नहीं है, उतनी ऐप में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। भाई एड्स से कोई दिक्कत नहीं है, उतनी ही ऐप को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके ओके ठीक है। हाउ टू कनेक्ट कन्वर्ट PDF फाइल, हाउ टू कन्वर्ट PDF फाइल ऑफ फर्स्ट पेज इनटू इमेज फॉर्मेट? यस भाई, ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, वैसे आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे होते भी हैं। हाउ टू कन्वर्ट PDF फाइल ऑफ फर्स्ट पेज इनटू इमेज फॉर्मेट? आप PDF फाइल ऑफ फर्स्ट पेज मतलब PDF का फर्स्ट पेज राइट, आप ये कहना चाह रहे हो? भाई ChatGPT 4 API के साथ एक वीडियो चाहिए जिसमें बच्चे के लिए नाइट स्टोरी के साथ साथ खूबसूरत एनिमेशन जनरेट होगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, आप ChatGPT 4 से तो टेक्स्ट जनरेट कर लो, देन टेक्स्ट जनरेट करने के लिए जब आप जनरेट कर लोगे उसके बाद उसी टेक्स्ट को आप भेजो कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे, AI वेबसाइट्स पे जहाँ पे इमेज जनरेट होती हो, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो अच्छे से। ओके, फर्स्ट पेज को आपको इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो ये भाई अभी तक मैंने कभी देखा नहीं है इसको बना के, वैसे आइडिया अच्छा है।
चलो मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ ना, मैं बार्ड से पूछता हूँ एक बार, बार्ड एआई जो आपका है उससे पूछता हूँ, आपका जो सेम क्वेश्चन है मैं एआई से पूछता हूँ एक बार, देखता हूँ क्या करता है। ये कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, इन डार्ट में करता हूँ इसको, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ फाइल ऑफ फर्स्ट पेज इनटू इमेज, देखता हूँ कोई कोड अगर हो यहाँ पे। ओके, ये देखो आपका मिल गया है यहाँ पे। सबसे पहले करना क्या है कि आपको फ्यूचर एक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये आपका हो जाएगा आराम से। आपको ये पैकेज इस्तेमाल करना है जो आपका प्रिंटिंग का पैकेज है, देन आपका यूज़ नेटिव पीडीएफ रेंडर पैकेज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसका यूज़ करके कर सकते हो आराम से। देखो जब भी आप लोगों को कोई कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया करे ना, तो आप लोग सिंपली जाके जितने भी चैट जीपीटी है या आपका बार्ड एआई है या तो फ्लटर फ्लो का एआई है, उनसे पूछा करो कि भाई ये बता काम कैसे होगा, ठीक है। और अगर उसके बाद आपको कोड जनरेट होने के बाद लगे रिलेटेबल, लगे कि हाँ ये लग रहा है कुछ उसी तरह से जनरेट होगा, तो आप तुरंत जो है उसको कोड करके कॉपी किया करो, कोड को कॉपी किया करो और तुरंत फ्लटर फ्लो में पेस्ट करके रन किया करो, चेक कर लिया करो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जब अब इस समय जब आपका एआई आ गया है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे आपको कोड करने के लिए उतना ज़्यादा सीखना नहीं पड़ेगा, आप कुछ हेल्प इससे ले सकते हो, कुछ अपने से बना के आप आराम से कोड एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कस्टम एक्शन बनाए या कस्टम फंक्शन, ये कस्टम एक्शन है। कैन आई यूज़ पाइथन इन फ्लटर फ्लो? ग्लिस्टर, यू कांट यूज़ पाइथन इन फ्लटर फ्लो, बट यू कैन यूज़ पाइथन फॉर बिल्डिंग द बैक एंड ऑफ फ्लटर फ्लो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप किसी का? इज एनी अदर क्वेश्चन? इज एनी, सॉरी, ठीक है। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो अभी। हाँ भाई, चैट जीपीटी 4 API के साथ इमेज जनरेशन ऐप चाहिए। ओके, चैट जीपीटी API के साथ साथ आपको इमेज जनरेशन का भी ऐप चाहिए, ठीक है। आपने ऐड कर दिया है, ओके। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे है। आपने मेरे को यहाँ पे ऐड किया होगा तो मेरे पास ये रिफ्लेक्शन नाम से आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक। इशू क्या आ रहा है? ये सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है, ओके। ये आपका ऐप बार में है, ठीक है। ये आपको, एक मिनट, आपने कॉलम नहीं रखा है। ओके, ये कर रहे हो तो ये आ रहा है। जैसे मान लो ये कर दिया आपने। हाँ अब बताओ भाई, इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? रिफ्लेक्शन भाई आप एक बार बताओ भाई, एक आंसर दे दीजिए। साहिल भाई, आपका क्वेश्चन मैंने देखा तो था, मेरा कमेंट नहीं पढ़ा मैंने, आपका क्वेश्चन पढ़ा था बट आपका क्वेश्चन को मैंने आंसर दिया है, शायद आप मिस कर गए हो। और कमेंट काफ़ी ऊपर चला गया था, आप एक बार फिर से लिख दो उसको। रिफ्रेशन भाई, आप एक बताना कि आपको इशू कहाँ पे आ रहा था। स्क्रॉल करते वक्त आ रहा है, ओके। स्क्रॉल तो काफ़ी सही हो जा रहा है, ऐसा कोई इशू है नहीं इसमें। ये देखो आप, ओके, एक काम करो आप, ये जो है आपका, इसको आप प्राइमरी रखो, ठीक है। ये जो है आपका, इसको प्राइमरी बंद कर दियो आप, ठीक है। ये जो है आपका, व्हेन योर नेक्स्ट कोर्स सेलिंग ऐप बैकएंड वीडियो विल कम, एक्चुअली इट विल कम, ये जो आपका वीडियो है इसका कोर सेलिंग ऐप का, वो कल आ जाएगा एक नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। उसका बैकएंड नहीं आएगा, उसका यूआई डिज़ाइन का आएगा, क्योंकि मुझे आगे का यूआई डिज़ाइन बनाना है ना, इसलिए यूआई डिज़ाइन का सिर्फ वीडियो आएगा, ठीक है। योर माइक इज सो इज अ सॉफ्ट, मतलब इनिश, आई कांट गेट यू यार। एक्चुअली डॉग आर बार्किंग, ओके ठीक है। आवाज़ सही है ना आप लोग को? वैसा ही ग्लिच हो रहा है, टेस्ट मोड में ग्लिच हो रहा है, ओके देख लेता हूँ मैं। काफ़ी सही तो आ रहा है ये, फिर इशू क्या आ रहा है आपको?
ठीक है, ये आ रहा है, ये आपका जनरेट हो रहा है। देख लेता हूँ एक बार मैं। ठीक है, ये आपका पूरा लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर आपने दूसरी लिस्ट बनाई है, ठीक है। ये आपने बैकएंड बनाया कैसे पहले तो? इज़ एक्टिव, ओके। एक आपका ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपका, कॉलम रखा है आपने। भाई फायरबेस डाटाबेस इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा AWS में? अब ऐसे तो मैंने कभी ट्रांसफ़र किया नहीं है भाई, लेकिन देखना पड़ेगा यार इस चीज़ को। यहाँ पे टेस्ट मोड, ओके, टेस्ट मोड में स्लिप ग्लिच आ रहा है ना? रिफ्लेक्शन भाई सिर्फ टेस्ट मोड में अगर ग्लिच आ रहा हो तो आप एक बार इसको एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके चेक करो, ठीक है, ऐप बिल्ड करके एक्सपोर्ट करो, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में चेक करो आप, तब हो सकता है इसका जो ग्लिच है ना वो सिर्फ यहीं पे आ रहा हो, बाद में आपका ग्लिच जो है वो हट जाएगा, ठीक है। वैसे आपने UI काफ़ी अच्छी बनाई है। चलो ठीक है, आप एक बार टेस्ट करना, ठीक है। भाई मेरा एक ऐप है, ऐप नेक्स्ट इन अपडेट में एडमॉब रिवार्ड बेस्ड इंक्रीज वीडियो के साथ बनवाएंगे प्लीज़, जो ठीक है। जाहिदुल इस्लाम भाई, मैं इसको जो आपका रिक्वेस्ट है उसको मैं बनाऊंगा, ठीक है, उसमें भी आ रहा है। अच्छा तो आप एक बार मेरे को एक्सप्लेन करो रिफ्लेक्शन भाई कि ग्लिच कहाँ पे आ रही है, मतलब किस जगह पे आ रहा है ग्लिच, मतलब आप बताओ स्क्रॉल करते समय जो ग्लिच आ रहा है, मतलब स्क्रॉल करो जैसे आप, ये आपका प्राइमरी, इसको बंद किया ना आप, ठीक है, इसको भी बंद कर दिए, उसके बाद ये जो है आपका ये प्राइमरी ऑन किए हो आप, ठीक है, वैसे सिंक रैप करो आप। अभी तो सही आ रहा है, ये सही है ये भी, मतलब देखो आपका स्क्रॉल किस करते, सॉरी कहाँ पे आ रहा है, किस क्या करते समय आ रहा है आपका स्क्रॉल इशू। एक आपने देखो ये स्क्रॉल किया, ठीक है, तभी ये स्क्रॉल होते चला जा रहा है पूरा नीचे तक, और काफ़ी सही है स्क्रॉल होते चला जा रहा है ये देखो आप। चलो ठीक है, एक बार मेरा कमेंट पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है, मैं साल भर कमेंट पढ़ लूँगा आपका। भाई मुझे एक ऐप बनवानी है, इससे ऐप बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा भाई, टोनी भाई ऐप बन जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें। और कोई किसी का कोई और क्वेश्चन है? किसी का और कोई क्वेश्चन है? साहिल भाई आपको मैं क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेता हूँ यार, आपने क्वेश्चन दिया तो था लेकिन वो मिला नहीं मेरे, बस देखता हूँ मैं। आप क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा मेरे को, आप एक काम कर लो फिर से कमेंट कर दो एक बार। ओके, ऐप को प्ले स्टोर पे में कैसे डालें? आपको अगर ऐप को प्ले स्टोर में डालना है तो आप, मेरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, हाउ टू अपलोड योर ऐप ऑन प्ले स्टोर, मतलब कस्टम तरह से किस तरह से आप अपलोड कर सकते हो, उस चीज़ को आप देख लो, ठीक है। वैसे काफ़ी 1 आवर हो गया है, वैसे 1 आवर हो गया है ना, तो मैं काम करता हूँ, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है, तो 5 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। पाँच मिनट का ब्रेक रखते हैं, ठीक है, बस 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक का इमेज आपको दे दूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि ब्रेक नहीं हुआ अभी।
कोई बात नहीं, ब्रेक का इमेज मेरे पास है नहीं अभी अवेलेबल, ठीक है, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक रखता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर से शुरू करेंगे, ठीक है।
हेलो, आवाज़ आ रही ना मेरी? चलिए फिर, ठीक है, फिर से शुरू करते हैं हम लोग। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछो। और किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो अभी। चलिए फिर से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, जो जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो आप लोग का जल्दी जल्दी पूछ लो, क्योंकि 2 घंटे होने वाले हैं, तो हो सकता है मैं जल्दी ही स्ट्रीम ख़त्म करूं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी पूछिए आप लोग। हेलो भाई, टोनी भाई, कैसे हो आप? आपका कोई क्वेश्चन था ना? ग्लिस्टर गेमिंग, ओके, गुड नाइट ब्रो, या यू कैन रिप्लाई ऑन माय मेल। भाई आपको बांग्लादेश में दावत है, ज़रूर आना। ओके ठीक है भाई, बांग्लादेश में अगर मैं कभी आऊँगा तो फिर ठीक है, दावत में ज़रूर आऊँगा। और सबसे पहली बात तो थैंक यू यार बुलाने के लिए। एक बार फिर से कोई ऐप बना के दिखा दो। वैसे मैं इस समय ऑनलाइन कोर्स का ऐप बना रहा हूँ। राय सिंह मीना, हाय, कैसे हो आप? रिफ्लेक्शन भाई कह रहे हैं मैंने मेल किया है वीडियो। ओके, आपने मैंने मेरे को वीडियो मेल किया है, ठीक है। रिफ्लेक्शन भाई आप एक काम करो ना, आप मेरे को कल सुबह में, मतलब अराउंड 10 PM पे, 10 AM पे, सॉरी 10 AM या 12 AM पे, 12 AM मतलब 12 PM पे, दोपहर में आप एक बार मेरे को ज्वाइन करो गूगल मीट, ठीक है। तब तब मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेज दूँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ उस समय मेरे को ज्वाइन कर लेना, जो भी आपका इशू होगा मैं रिजॉल्व कर दूँगा, ठीक है। मैं आपको एक बार हाई लिख के भेज देता हूँ अपने ओरिजिनल मेल से, तो मैं आपको एक URL लिंक भेज दूंगा, ठीक है, जो आपका गूगल मीट का लिंक होगा वो भेज दूंगा, तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे इशू जो भी है आपका, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? राय मीना, राय सिंह मीना जी कह रही हैं, हाय राय सिंह मीना, ओके, थोड़ा सा नाम कन्फ्यूजिंग हो रहा है। तन्मय जी का क्वेश्चन था ब्रो, तब तक मैं बना कर देख लेता हूँ। हेलो सर, आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कनेक्ट करने के लिए ट्राई किया, बट आपने एक्सेप्ट नहीं किया रिक्वेस्ट। एक्चुअली शकील अहमद भाई ना, क्या है ना कि मैं इतना ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, और इससे मैं काफ़ी काम पड़ जा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ काम। मैं देख लूँगा, ठीक है, आपका देख लूँगा मैं। आपने किस नाम से मेरे को मैसेज किया है? आप एक बार अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दो, तो उस हिसाब से मैं देख लूँगा। भाई एक डिमांडेबल ऐप फुल स्टैक में बनाना, जिसका मॉडिफिकेशन करके हम लोग मोनेटाइज और कुछ मनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। फ्लटर पे जो स्टार्टिंग पेज है उसमें कॉलम कैसे जोड़ें, मतलब फ्लटर पे जो स्टार्टिंग पेज है उसमें कॉलम कैसे जोड़ें? आपको कॉलम इंटीग्रेट करना है फ्लटर पेज पे ना, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधे आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ, जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आते हैं, जैसे आपको सिर्फ कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम के लिए आप सिंपल यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आओ और सीधे आप यहाँ पे कॉलम रख दो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी पूछ लो। भाई आप बहुत ही, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था आपका? भाई आप बहुत ही हम्बल और पोलाइट बंदे हैं, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई, एक्चुअली हम्बल होना पड़ता है यार, क्या किया जाए, क्योंकि आप लोग की हेल्प करनी है ना मेरे को, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे हेल्प करना किसी की, तो इसलिए काफ़ी हम्बल ही रहता हूँ मैं हमेशा। इसकी बात क्या करें, अगर यहाँ पे आपको कोई और एलिमेंट लगाना है या कुछ और करना है तो
तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे आपको मान लो इसको पैडिंग करना है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है भाई अभी लाइव के बाद करवा लो प्लीज़, या ऐसे ही में प्लीज़। रिफ्लेक्शन भाई ये अभी आपने पूछा है कि आपने पहले पूछा था, ये अभी आपका दिख रहा है? आप एक बार मेरे बता दो, ये आपने पहले किया था कि अभी आ रहा है आपका, ये दिख रहा है? इसके बाद क्या करें, ठीक है, मैं आपको आपकी बात पे आता हूँ, टोनी भाई की बात पे आता हूँ कि ऐसे देखो, आपको मान लो यहाँ पे पैडिंग देना है। पैडिंग मतलब होता है साइड साइड से थोड़ा सा स्पेस देना है कि ये चिपका हुआ ना लगे यहाँ पे। देखो अभी देखोगे आप तो काफ़ी चिपका हुआ लग रहा है ना, अगर इसे आप यहाँ पे रखते हो तो ये देखो आपका यहाँ पे लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा ही लगेगा ऐसे। अगर इसको आपको साइड साइड से पैडिंग देना है तो साइड साइड से पैडिंग दे सकते हो आप, सीधे इसको कर दो कुछ इस टाइप से, और इधर करोगे आप तो ये अपने आप पैडिंग होते चला जाएगा, ठीक है? ओके, रिफ्लेक्शन भाई आपको दोबारा नहीं करना चाहिए था यार, आपने अगर पहले किया था पेमेंट तो आपको दोबारा नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी लाइव जैसे ही एंड होता है, ठीक है, मैं इसको आपको कराता हूँ, ठीक है, मैं इनवाइट लिंक भेज देता हूँ अभी अगर टाइम हो मेरे पास, देखता हूँ। गूगल मीट का मेरे को लिंक जनरेट करना पड़ेगा, उनके साथ जीमेल में होता है आपका ये गूगल मीट का लिंक जनरेट करने के लिए। न्यू मीटिंग करते हैं, गेट मीटिंग लिंक, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ और आपको मैं भेज देता हूँ, ठीक है, जैसे ही मीटिंग एंड होगी मैं वैसे ही ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है, आप चेक कर लो, मैंने आपको मेल कर दिया है। टोनी भाई आपका अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, वैसे राय सिंह मीना जी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हो। एक डिमांडेबल ऐप फुल स्टैक में बनाओ ना, एक डिमांडेबल ऐप बनाना है फुल स्टैक, ठीक है, मैं बनाता हूँ इसको। सबसे पहले मैं अपना जो ये कोर्स चल रहा है ना हमारा, एक हमारा चल रहा है ई कॉमर्स का और दूसरा है हमारा ऑनलाइन कोर्स का, जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसको मैं पहले ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद बनाऊँगा, क्योंकि बाद में अगर कोई मेरे वीडियोस पे आता है तो वो कहता है कि भाई आपने पूरा कोर्स नहीं बनाया है, तो मैं एक बार पूरा ख़त्म कर लेता हूँ उसके बाद बनाता हूँ, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपसे कुछ डिस्कस या किसी प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस करना हो, सर आपसे कुछ डिस्कस या किसी प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस करना हो, आप मेरे को मेल कर दो, ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मेल मेरा हमेशा मॉनिटर होता रहता है, तो मैं मेल ज़्यादातर देखता चेक करता हूँ अपना। लेकिन उसमें भी इशू ये आता है कि अगर मैं फ्री हूँ तभी मैं रिप्लाई करता हूँ, अगर फ्री नहीं हूँ तो रिप्लाई नहीं कर पाता यार। भाई LMS का फुल स्टैक बनाना, इसके साथ एडमिन पैनल वेब बनाना मैं प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है, मैं वही करूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो आप लोग, ठीक है, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, मैंने भी रिसेंट में ई कॉमर्स जो सीरीज़ शुरू की थी वो तो मैंने पूरा बना रहा हूँ मैं उसको, ठीक है, अराउंड 8 सीरीज 8 पार्ट आ गया है उसका। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि बहुत लोग, मतलब उसमें क्या है ना, थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। निगेटिव का मतलब है कि उतना ज़्यादा रीच नहीं हो रही है उस वीडियो की, और काफ़ी लोग बोर हो रहे हैं उस वीडियो को देखते देखते, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा दिन उसको वहीं पर रखूँगा, उसके बाद दूसरा चीज़ लाऊँगा, देन फिर से मैं उसको शुरू करूँगा। तो इसी तरह आपका ये भी जो होगा ऑनलाइन ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन कॉमर्स कोर्स का ऐप है, वो भी मैं कुछ दिन UI डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, उसके बाद बैकएंड करूँगा, और साथ साथ में जो आप बता रहे हो एडमिन पैनल करने का, वो भी एडमिन पैनल भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और फिर से दोबारा मैं बता दूँ कि जितना भी आप लोग का कोई रिक्वेस्ट अगर हो तो आप इसमें हमको गिटहब पे आप एक बार अपना रिक्वेस्ट जो है आपका रेज कर लो, ठीक है। यहाँ पे अराउंड मेरे पास 9 रिक्वेस्ट आए हैं, ठीक है, मैं इसको भी कर लेता हूँ, लेबल कर लेता हूँ कनेक्ट, ओके, ये आपका नया आइडिया है तो न्यू टॉपिक में मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और कोई इशू हो तो आप यहाँ पे जनरेट कर दो उसको।
अगर आपको मेरा गिटहब फॉलो भी करना है तो आप आराम से मेरे गिटहब को फॉलो भी कर सकते हो। भाई पेड डाउट सेशन कब से स्टार्ट करोगे? भाई आप पेड डाउट सेशन जो है हमारा वो ऑलरेडी स्टार्टेड है, आपको सिर्फ उसे परचेस करना है। परचेस करने के बाद आपको मैं लिंक भेजूंगा, ठीक है, एक गूगल इन्विटेशन लिंक होगा, तो फिर हम लोग उसमें कनेक्ट करके अपना बात कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। एक्चुअली देखो मेरा प्लान तो परचेज मतलब इसको पेड नहीं करने का था, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि फ्री में मैं देखता हूँ काम करता हूँ तो उतना ज़्यादा मेरे को मतलब आप लोगों को भी उतना ज़्यादा वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो धीरे धीरे मैं पेड कर दिया था इसको डाउट सेशन को, नहीं तो पहले हमारा जो डाउट सेशन था वो बिल्कुल फ्री था। तो अगर आप लोग को कोई इशू आता हो डाउट सेशन में या तो पेमेंट को लेकर, तो आप एक बार मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको पेमेंट अगर आपको पेड करना है, आखिर क्या है ना कि रिफ्लेक्शन भाई जो आपका डाउट सेशन है वो जो 200 का आपने देखा होगा सबसे मिनिमम कॉस्ट का, वो पर मंथ का नहीं है, वो एक ही बार का है, मतलब 1 आवर का है, ठीक है? वैसे आपका जो अगर आप ये देखोगे आपका जो मेंबरशिप ऑप्शन है फ्लटर फ्लो में, सॉरी फ्लटर फ्लो कह रहा हूँ, आपका जो यूट्यूब के अंदर जो मेंबरशिप ऑप्शन है चैनल का, उसके अंडर में है कि आप अगर सबसे ज़्यादा अराउंड 599 का है शायद उसको करोगे तो हम लोग वीक में एक दो बार कर सकते हैं। भाई कल भी आओगे आप? नहीं, मैं कल नहीं आऊँगा, क्योंकि संडे को काफ़ी लोग बिजी रहते हैं काम में, और क्योंकि अगले नेक्स्ट डे हमारा जो मंडे हो जाता है, इसलिए कल आराम करके हम लोग को सुबह काम करना होता है, इसलिए संडे को नहीं सिर्फ सैटरडे को। जैसे हर वीक में सैटरडे को हम लोग लाइव आया करेंगे, जो भी आप लोग का क्वेश्चन हुआ करेगा आप लोग पूछ लेना, और जो भी हमारा वीडियो भी देख रहे हैं आप एक बार जितना भी आपका इशू हो आप लोग अभी से पूछ सकते हो, ठीक है? ये कॉमर्स ऐप बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है भाई। मेरे साथ एक टीम आई है, एक दे आर अराउंड 100 पीपल, सो डू ऑल डू ड्रॉप शिप शॉपिंग। ठीक है कोई बात नहीं, आप दे सकते हो उनको, आप मेरा मेल दे देना उनको। भाई आप फ्री में एक्सपोर्ट कैसे करें, ऐप फ्री में एक्सपोर्ट कैसे करो? यार ऐप फ्री में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है यार उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि फ्री में एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता फ्लटर फ्लो में। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है? फ्री सब्सक्रिप्शन लेके आप कर सकते हो फ्री में एक्सपोर्ट। अब जो अगले डाउट होंगे उससे पहले ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है? ओके रिफ्रेशन भाई कोई बात नहीं। वैसे आप एक बार बता दो कि आज का जो डाउट सेशन है उसको आप कंटिन्यू करोगे क्या, कि मैं क्योंकि 11:30 बज गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो अगर आपको कल कंटिन्यू करना है जो मैं आपको लिंक भेजा हूँ गूगल इनवाइट का, गूगल मीट का, अगर उसे आपको कल कंटिन्यू करना है तो आप एक बार मेरे को बता दो। भाई एक बार ये फर्स्ट पेज बनाकर दिखा दो, कौन सा फर्स्ट पेज बनाना है? ये फर्स्ट पेज बनाना है, ठीक है मैं इसको बना देता हूँ। जैसे देखो आपका यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप में रहेगा, ठीक है, ऐसे नॉर्मल रहेगा, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी यहाँ पे। तो अगर सबसे ऊपर हमारे ऐप में क्या होता है, ऐप बार होता है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐप बार, उसको उठा के रख देंगे यहाँ पे ऊपर, ठीक है? ये हमारा ऐप बार हो गया, जहाँ पे आप देखोगे कि स्टूडेंट का नाम, हर स्टूडेंट नाम करा मतलब ऐप का नाम होता है, बटन्स होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो सबसे ऊपर का होता है ऐप के, ठीक है? एक क्वेश्चन और आ रहा है, स्टूडेंट के लिए कैसे ले सब्सक्रिप्शन? आपको अगर स्टूडेंट के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप फ्लटर फ्लो वेबसाइट पे चले जाओ। टोनी भाई एक मिनट रुकना, मैं इनको बता दूँ, क्योंकि इनका छोटा सा क्वेश्चन है, तो इनको बताने के बाद मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे आते हैं फ्लटर फ्लो .io पे, ठीक है, और स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये आपके एजुकेशन का ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर एजुकेशन प्राइजिंग कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है? ठीक है आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, ठीक, ओके। रिफ्लेक्शन भाई मैं आज ही कर लूँगा, ठीक है? यहाँ पे गेट स्टार्टेड करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे, जैसे आपके कॉलेज का नाम हो गया, आपका नाम हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, और कॉलेज का अगर ईमेल है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा तुरंत वेरीफाई होने के लिए। मैं फिर से आपके क्वेश्चन पे आता हूँ टोनी भाई, ये देखो आपका ऐप बार हो गया, ठीक है, और मान लो यहाँ पे आपको ऐप का नाम रखना है तो आप यहाँ पे नाम रख सकते हो अपने ऐप का, इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा दो आप,
और जैसे मान लो इसका मैं नाम रख रहा हूँ नो कोड एकेडमी रखता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका नो कोड एकेडमी, ये आपका आइकॉन है, इसको बंद कर दो आप, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कुछ रखना है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे टेक्स्ट रख लो, टेक्स्ट को आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा कर लो, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आपको मेरे के यूडमी वाले जो कोर्स है मैं ला रहा हूँ रिसेंट अभी 2-3 दिन बाद, उसमें आपको सब बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और वैसे मैंने यूट्यूब वीडियोज़ में भी बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो अगर आप उस कोर्स को प्रीफर ना करो तो आप यहाँ पे भी आके मेरे यूट्यूब चैनल्स पे भी आप सर्च कर सकते हो, मैंने बहुत सारी सारी बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं। बट ये है कि सीक्वेंस में नहीं है, बस वही थोड़ा सा इशू आ गया है, लेकिन उसको मैं धीरे धीरे सीक्वेंस में कर दूंगा सब कुछ। भाई सब्सक्रिप्शन 599 का कोई नहीं है, कोई बात नहीं रिफ्लेक्शन भाई, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आप मेरे वेबसाइट से ही ले लिया करो, ठीक है। अगर बल्क में लेना हो तो एक बार मेरे को वेबसाइट का जो चैट है उससे आप मेल कर देना, मैं डिस्काउंट दिलवा दूंगा। चलो और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अभी जाहिद इस्लाम भाई, अभी मेरे को पता नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आपका जो यूडमी है उसमें वो सीजनल प्राइसिंग करता है, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस होती है उससे अराउंड 500-600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये नीचे रखता है। और हम लोग को एक लिमिट दिया है उसने कि $10 से हमें ऊपर ही रखना है, ठीक है। $10 से हम नीचे नहीं रख सकते हैं, उसके बाद वो मेंटेन करता रहेगा। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मैं अभी भी यूडमी का अगर कोई भी कोर्स परचेस करने जाऊँ, तो ये देखो आप चलता हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट वाले पेज में, इसको न्यू टैब में अगर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप ये जो कोर्सेज हैं ना वो मेरे को मिल रहे हैं 499, मतलब 500 में, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम हमें यहाँ पे प्राइस वैल्यू डालना होता है वो होता है आपका $10 का, मतलब 700 रुपये का, आई थिंक 700 या 800 रुपये का, इंडियन रुपीस के हिसाब से 700 या 800 रुपये का होता है। तो ये डेली आपके चलते रहते हैं, जो ये आपका मतलब ये है सेल है वो डेली चलता है। बस आपको करना क्या है कि ध्यान देना है कि ये आपका कब प्राइसिंग कम होता है उसी समय आप परचेस कर सकते हो इसको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? यसे भाई करें, थैंक यू दादा। ओके थैंक यू भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे मैं यहाँ पे बनाने को मैं तो देखूँगा, अगर प्राइसिंग मेरे को कम करना होगा तो मैं ऑलरेडी मैं कम कर दूंगा, मैं उतनी हाई प्राइसिंग नहीं रखूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसको बनाना भी नहीं चाह रहा था। लेकिन ये है ना कि इसमें सीक्वेंस सीक्वेंस से आ जाता है। ओके ये देखो आप यहाँ पे मेरा वीडियो जो, अगर मैं इसको 799 भी कर देता हूँ, ठीक है, तब भी ये अपने अपने हिसाब से ये प्राइस अप डाउन करता रहेगा, तो मेरे कोई फ़ायदा नहीं है इसका करने का। बेसिक वाली भाई, बेसिक वाली वीडियो पिन कर दो चैट में, बेसिक वाली वीडियोस पिन कर दूँ चैट में, ठीक है। मैं एक बार पिन कर देता हूँ, रुको सॉरी, मैं इसको क्रिएटर का डैशबोर्ड नहीं ओपन कर सकता आप लोग के सामने, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्रिएट काम करना पड़ेगा मेरे को आप लोग का जो ये बेसिक वाली वीडियो चाहिए आपको, ठीक है। ओके मैं इसको देखता हूँ, मैं बेसिक वाली वीडियोस दे देता हूँ आपको, क्रिएट पोस्ट कर लेता हूँ। सॉरी यहाँ पे मुझे बेसिक वीडियो सर्च करनी है, रुक जाओ आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे है हमारी बेसिक वाली वीडियो। ये जो हमारी वीडियो है यहाँ पे, सॉरी ये वाली नहीं, जो 3 घंटे की एक वीडियो है मेरे पास, उसमें मैंने बेसिक भी क्लियर किया हुआ है काफ़ी। ओके इफ लूप एल्स का नहीं, नहीं नहीं ये वाला नहीं, यहाँ पे एक वीडियो है फ्लटर फ्लो ट्यूटोरियल 3 घंटे का है। ओके 3 घंटे की वीडियो है वो, अभी तो मिल नहीं रहा भाई। मैं एक बार उसको मैं सर्च करके आपको, आप मेरे किसी वीडियो में कमेंट कर दो, मैं उस पर भेज दूँगा, ठीक है। ये देखो आपकी बेसिक वीडियोस हैं, ठीक है, ये जो है आपका,
मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये बेसिक वीडियोस हैं। इसके बाद की जो वीडियोस होंगी वो सारी बेसिक वीडियोस हैं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है आपका? प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कस्टम ऑथ सो वी कैन ऑथराइज यूज़र फ्रॉम कस्टम ओटीपी। ठीक है, मैं इसका वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, कस्टम ऑथ कर का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आप एक बार सचिन भाई, आप एक बार गिटहब में जाके इसको रेस कर दो, ठीक है। इशू जो होता है इसका इशू रेस कर दोगे तो ठीक रहेगा भाई। फायरबेस ईमेल वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, फायरबेस ईमेल वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। आप इसको भी प्लीज़ जाके गिटहब के अंदर इसको इशू रेस कर दो, ठीक है। जो भी आप लोग को वीडियो चाहिए, जैसे भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ जाके फायरबेस वहाँ पे गिटहब के अंदर को रेस कर दो इशू को। उससे क्या होगा कि मेरे को पता रहेगा कि मुझे आगे वाली वीडियो बनानी किस टॉपिक पे है। मैं दोबारा आप लोग को एक बार गिटहब का यूआरएल दे देता हूँ। मैंने यूआरएल का लिंक जो है पिन कर दिया है, आप उसको जाके देख लो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया है, 11:39 हो रहा है। तो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, सुपरबेस और फायरबेस विच वन इज़ बेस्ट? मैं तो रिकमेंड करूँगा हमेशा फायरबेस, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये, और ये इसमें सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते कभी भी, और आपको फायरबेस काफ़ी सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, इसलिए आपको कहीं और दूसरी सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फायरबेस एक बार ले लिया है तो आपके लिए वो काफ़ी रहेगा, ठीक है। भाई फ्लटर फ्लो पे, सॉरी, ऐप रन कैसे करते हैं? तो फ्लटर फ्लो पे अगर आपको ऐप रन करना है तो आप सीधे यहाँ पे क्लिक करके रन योर ऐप कर सकते हो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ लो, क्योंकि अब थोड़ा सा 40 हो रहा है। अराउंड 10 मिनट में, 10 या 20 मिनट में मैं स्ट्रीम को बंद कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा और आप लोग भी काफ़ी देर से मोबाइल पे हो तो आप लोग की थोड़ा आईज को प्रॉब्लम होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछो अभी। अगर कोई और क्वेश्चन तो आप प्लीज़ पूछ लो अभी। देखते हैं एक बार हम गिटहब पे, अगर किसी का कोई, भाई यार कुछ वीडियो में, भाई यार कुछ वीडियो, आज कुछ वीडियो नहीं आया, आएगा? भाई एक्चुअली क्या है ना, लाइव स्ट्रीम जिस दिन रहता है मैं उस दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाता यार, क्योंकि सुबह से थोड़ा सा मैं वीडियो, नया वीडियोस रेडी कर रहा हूँ, और आज कोर्स का भी बनाना था ना अपना, तो उसको भी मैं थोड़ा सा ध्यान देने लगा था उस साइड, तो आज सॉरी यार वीडियोस नहीं आ पाया है आज। वैसे डेली वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज कैसे करें? ठीक है, नेक्स्ट पेज हम लोग ऐड करते हैं। जैसे मान लो आपका ये एक पेज हो गया, ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करके दूसरा पेज ऐड कर लो। जैसे आपको मान लो ये वाला पेज ऐड करना है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट थीम रखते हैं, और इसको मैं करता हूँ क्रिएट पेज, मान लो ऐसा नहीं करके जी रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट पेज करता हूँ तो ये आपका दूसरा पेज ऐड हो गया। अगर आपको नेविगेट करना है तो आप जैसे यहाँ पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मान लो आपको नेविगेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे नेवी एक्शन पे आ जाओ, ऐड एक्शन करो यहाँ पे, उसके बाद आप कर लो नेविगेट का, ठीक है। नेविगेट करना है, अब किस पेज में करना है आपको सारे पेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपका मान लो ऑथ जी में करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वाले पेज में आ जाओगे। मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी ये क्लिक किया लेकिन काम नहीं करेगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपके प्रीव्यू मोड में चल रहा है और मैकबुक में ये बग आ रहा है बहुत दिन से। भाई आपका स्टूडियो टूर चाहिए? भाई मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, मैं रियली बताऊँ तो मैं अभी इस समय बेड पे बैठा हूँ, ठीक है, बगल में टेबल है जहाँ पे मेरा माइक लगा हुआ है, और मैं माइक में बोल रहा हूँ और लग रही है मेरे को ठंड, इसलिए मैं रजाई ओढ़ के बैठा हूँ, मैंने ब्लैंकेट ओढ़ के मैं बैठा हूँ सिर्फ, ठीक है। मैं बेड पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडा लग रहा है इस समय दिल्ली साइड में।
हाँ भाई नेक्स्ट पेज ओके भाई आपका स्टूडियो टूल ठीक है भाई। विच इज़ बेटर एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर फ्लो फॉर ऐप डेवलपमेंट एक्चुअली क्रिकेट टाइम भाई आप एक बार अपना नाम बता दो तो, क्योंकि ऐसे यूज़र आईडी से बोलना काफ़ी अजीब लगता है। चलो ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर फ्लो में ऐप डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा कौन है? और सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है वो कोई ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, वो एक आईडीई है। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो, मतलब एक तरह से वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है आपके ऐप डेवलपमेंट के लिए। और जो आपका फ्लटर फ्लो है ये नो कोड ऐप बिल्डर है, ये मतलब ये ऐप बनाता है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या होता है, आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड करते हो, ठीक, वो एक तरह से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कोड करने के लिए। और फ्लटर फ्लो क्या करता है, ये जैसा पेंट होता है आपका, पेंट की तरह ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब कुछ बनवाता है, उसके बाद आप इसमें से कोड अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक, समझ में आया आपको? टोनी भाई करें, हम भी ऐसे ही बैठे हैं भाई, इंडिया में जो लोग भी नॉर्थ साइड में हैं सब लोग ऐसे ही बैठे हैं इस समय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे आप लोगों में कितने लोग ऐसे हो जिन्हें मेरी आप लोग मेरे चैनल पे मेरे लाइव स्ट्रीम से आए हो, मतलब इसी लाइव स्ट्रीम से आए हो, या तो मेरे चैनल पे अभी नए आए हो आप? और आप लोग एक काम और कर सकते हो, अगर आप लोग मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, अराउंड 20 रुपीज़ का है आई थिंक, 29 या 20 रुपीज़ का है, तो आपको जितनी वीडियोस मेरी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, मतलब जो पब्लिश नहीं हुई है ना, वो भी मिल जाएगी आपको। एक वीडियो तो होगी जो पब्लिश नहीं हुई होगी, वो भी आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा उसका, क्योंकि मैं जितनी वीडियोस होती है ना मैं उसको ऑलरेडी पहले से यूट्यूब पे डाल के रखता हूँ, तो डेट के हिसाब से मैं पब्लिश करता हूँ। ओके टोनी भाई, आप पहली बार लाइव देख के ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। और बताओ मैं क्या इम्प्रूव करूँ अपने यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब जो वीडियोस बनाता हूँ और मैं क्या चीज़ें इम्प्रूव करूँ? अगर आप लोग को कोई कोई इशू आ रहा है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल वीडियोस पे, तो आप प्लीज़ उसको भी बताया करो, ठीक है, कि मैं अपनी एडिटिंग और अच्छी करूँ। वैसे मैं एडिटिंग करता ही नहीं, नॉर्मल वीडियोस डाल देता हूँ उठा के। अगर आपको एडिटिंग पसंद है वीडियोस के अंदर, तो आप प्लीज़ बताओ कि किस तरह से एडिटिंग करूँ और क्या एडिटिंग करूँ मैं अपने वीडियोस में, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से एडिटिंग आती नहीं है। जैसे मैंने अभी रिसेंट में कोड विद हैरी का वीडियो देखा था, वो भाई साहब को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं वो, तो उनका मैं वीडियो देखा था, वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग करते हैं, तो उस टाइप का अगर मैं एडिटिंग करूँ तो शायद। हाँ बांग्लादेश में भी भाई ठंडी तो पड़ेगी क्योंकि सेम है, ऐप बनाकर दिखा सकते हो भाई, मैं ऐप ऑलरेडी बना रहा हूँ। आप लोग आप मेरी प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप ऑनलाइन कोर्स का मैं ऐप बना रहा हूँ, तो सबका उसका ऐप बना के मैं रखा हुआ हूँ, ठीक है। चलो एक बार मैं डेमो दिखा देता हूँ आपको, डेमो मतलब एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि ऐप एक्सपोर्ट करके एपीके जनरेट होता है या नहीं होता है, ठीक है। ओके जहाँ पे माउस वहाँ पे स्क्रीन जूम हो जाती है, फोकस करने में बहुत इशू होता है, ठीक है, मैं उसका जूम जो है ना उसको मैं कम कर दूंगा, ठीक है, मैं जूम जो है उसका मैं कम कर दूंगा, क्योंकि क्या है ना कि उसमें जो जूम होता है उसकी वजह से लोग काफ़ी तरह से फॉलो कर पाते, नहीं तो पहले जब जूम नहीं होता था ना तो लोग फॉलो नहीं कर पाते थे कि मैं माउस पे कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अलग से उसको परचेज़ किया है, इसलिए इसी सेम रीज़न के लिए मैंने परचेज़ किया था उसको। वैसे मैं जो जूम है उसको कम करूँगा, ठीक है, उतना ज़्यादा जूम नहीं करूँगा जितना पहले करता था। भाई आपका प्राइवेट सेशन चाहिए, प्रोसीजर क्या है? मेरा प्राइवेट सेशन चाहिए तो आपको मेरी वेबसाइट पर जाना होगा, आपको अगर मेरी वेबसाइट के बारे में पता हो तो आप मेरी वेबसाइट पर चले जाना, ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद आप आराम से जो मेरा सेशन है उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? भाई फायर बेस स्टोरेज में ऐप में फाइल्स और डाटा कैसे दिखाएं? फायर बेस स्टोरेज में से ऐप में फाइल डाटा और कैसे दिखाएं? अगर आपको डाटा दिखाना है इसमें
तो आप जब डाटा अपलोड करते हो तो उसका यूआरएल मिलता है, ठीक है। फ्लटर फ्लो में जब भी आप कोई डाटा अपलोड करते हो या कोई फाइल अपलोड करते हो तो आपको एक यूआरएल मिलता है। आप अभी मेरी रिसेंट की वीडियो देखना, जो ऑनलाइन कोर्स का मैंने वीडियो बनाया है यूआई डिज़ाइन के बाद का, मतलब बैकएंड वाली वीडियो, वहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक एक्शन बनाया है प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने की। तो वो एक्शन आप देख के समझ जाओगे किस तरह से फायरबेस स्टोरेज से डाटा, जो इमेज हम लोग फाइल अपलोड करते हैं या इमेज अपलोड करते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है भाई। वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाना है, जूम इफेक्ट के लिए सारा, ठीक है, समझ गया मैं। ऑनलाइन सर्विस ऐप भी बनाकर दिखा दो। ऑनलाइन सर्विस ऐप ऑलरेडी बनी हुई है भाई मेरी। फ्लटर फ्लो ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, फ्लटर फ्लो ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हो। अगर आपको मेरा ऐप देखना है तो मेरा ऑलरेडी एक ऐप है आंसर मेट नाम से, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे मेरी आवाज़ तो काफ़ी सही आ रही है ना, क्योंकि बाहर कुत्ते का जो डॉग हैं काफ़ी ज़्यादा बार्किंग कर रहे हैं बाहर। तो अगर कोई आपको ऑडियो में इशू आ रहा हो तो आप प्लीज़ एक बार बता देना मेरे को। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, तो अगर आप लोग कहो तो हम लोग स्ट्रीम को अभी यहीं पे बंद करें, या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ लो, थोड़ा सा टाइम और वेट कर लेते हैं हम लोग। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? एड्स भी लगा सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आप एड्स भी लगा सकते हो, आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो भाई। देखो, मैं एक डाउट सबका क्लियर कर देता हूँ, जितने लोग भी अभी मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, सबका सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि भाई मैं ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, तो इससे अर्निंग होगी कि नहीं अर्निंग होगी, ठीक है। तो जो डाउट है मैं क्लियर करूँ कि जो आपकी अर्निंग होती है ना, वो डिपेंड करती कब तक यूज़र उस पर है, ठीक है। और जब तक यूज़र उस पर है तब तक कितना एडवर्टीजमेंट उसे दिखाया गया है, ठीक है। तो मेनली आप फोकस ये ना करा करो कि कितना अर्निंग हो रही है, आप ये फोकस किया करो कि कितना अच्छे से अच्छा ऐप आप बना सकते हो। और जितने अच्छे से अच्छा ऐप आप बनाओगे ना, उतना अच्छा अर्निंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताऊँ आपको, जो मैं फिर से बता देता हूँ कि आप अर्निंग पे फोकस मत किया करो, ठीक। सबसे पहले आप फोकस किया करो कितने जितना अच्छा से अच्छा आप ऐप बना सको, उतने अच्छे से अच्छा ऐप बनाओ। हाँ भाई, जो आपका होम सर्विस ऐप है ओएस वाला, फुल स्टैक है क्या? थोड़ा मॉडिफिकेशन साथ पब्लिश आपको, देखो जाहिद भाई, मोहम्मद भाई, मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, सॉरी अगर मैंने आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा सही से। मोहम्मद भाई, देखो आप, जो हमारा जो ऐप है ना होम सर्विस वाला, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप जो मॉडिफिकेशन कर लोगे उसमें तो काफ़ी सही रहेगा, ठीक। आरजे भाई, मैं आपका नाम पहले तो सुना हुआ हूँ, लेकिन आप एक बार बता दो, अपना नाम बता दो सही से। क्रिकेट टाइम भाई, आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? कि आप अर्निंग पे फोकस मत करो, मेन फोकस करो आप ऐप के यूआई और यूएक्स पे, ठीक है भाई। आपको कितने ऐप प्ले स्टोर में पे हैं अभी फ़िलहाल में? मेरे पास तो दो तीन ऐप थे, लेकिन मैं अभी एक ही ऐप पब्लिश किया हूँ, ठीक है। बाकी सब हमारा ड्राफ्ट करके मैंने रखा हुआ है। ड्राफ्ट इसलिए कर दिया था क्योंकि उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू आ रहा था, ठीक है। एक अपनी फैमिली नाम से एक लोग यूज़र आईडी है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया है कि भाई फ्री में अपलोड होती है क्या प्ले स्टोर पे ऐप? नहीं, प्ले स्टोर पे ऐप जो होती है फ्री में अपलोड नहीं होती, $25 का रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। और एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, कि जब भी आप प्ले स्टोर पे ऐप अपलोड करते हो, कभी भी गलती से भी उसमें कोई ऐसा पॉलिसी वायलेशन मत कर देना जिसकी वजह से आपका ऐप
का जो अकाउंट है प्ले स्टोर कॉन्सोल का वो बंद हो जाए, क्योंकि अगर एक बार भी आपका प्ले कॉन्सोल अकाउंट बंद हुआ तो दोबारा आप लाइफ में कभी भी नहीं ओपन कर सकते, चाहे वो अपने आईडी से करो, चाहे अपने पापा की आईडी से करो, भाई की आईडी से करो, वो कभी भी नहीं ओपन होने देगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी पॉलिसी वायलेशन ना करो आप प्ले कॉन्सोल का, ठीक है? भाई आप कहाँ से हो? टोनी भाई मैं हूँ यूपी से हूँ आपके, मैं यूपी पूर्वांचल से हूँ, मैं अपना रियल बता देता हूँ, मैं यूपी पूर्वांचल से हूँ, ठीक है? मैं यूपी पूर्वांचल से हूँ, रहता हूँ नोएडा में। भाई भाई वॉल्यूम कम है। ओके अभी वॉल्यूम सही आ रही ना? मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, अगर ऑडियो सही नहीं आ रही, नहीं तो ऑडियो काफ़ी सही आ रही, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो अभी। हाँ भाई मीटिंग याद है मेरे को, क्योंकि 12 बज गए हैं, पता है मेरे को, आपको भी नींद आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मीटिंग करेंगे, ठीक है? और हाँ रिफ्लेक्शन भाई थैंक यू, क्योंकि पहली बार मेरे को किसी ने मेंबरशिप वाला, मतलब सॉरी, जो हमारा यहाँ पे सुपर चैट या सुपर स्टिकर दिया है, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। आपके साथ मुलाकात होगा क्या? मेरे साथ मुलाकात तो यार इतना जल्दी, यार इतना आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी टाइम मिलेगा, अगर आप इंडिया में रहोगे तो आप, अगर दिल्ली साइड हो तो एक बार बता देना, मैं मिल लूँगा आपसे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे इतनी रात हो गई, आप लोग को नींद नहीं आ रही क्या? मुझे तो नहीं लग रहा आप लोग को नींद आ रही है। मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं? मेरे चैनल की मेंबरशिप आपको लेनी है तो आप आराम से मेरे चैनल पे चले जाओ, ठीक है? वहाँ पे आपको मेंबरशिप का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से ले सकते हो भाई। फर्स्ट पेज पर लोडिंग कैसे लगाएं? लोडिंग एनिमेशन लगाना है आपको, ओके आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? एक मिनट, आपका क्वेश्चन क्या था भाई? फर्स्ट पेज पर लोडिंग एनिमेशन कैसे लगाएं, ठीक है, इसका मैं बताता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आपको मेंबरशिप लेना है ना, तो मेरे चैनल पे जब जाओगे आप तो मेंबरशिप ऑप्शन में आएगा आपको, वहाँ पे आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो भाई। एंड्रॉयड स्टूडियो सीखूँ या फिर फ्लटर फ्लो? आप फ्लटर फ्लो सीखो, ठीक है? एंड्रॉयड स्टूडियो में आप कोडिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप पहले फ्लटर फ्लो सीख लो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ भाई अंडर, ठीक है आपका क्वेश्चन हो गया, मैं चलो फिर से एक बार बताता हूँ इसमें कैसे करते हैं, ठीक है? इसको यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, आप ऐप असिस्ट में आओ, ऐप सॉरी ऐप डिटेल में आओगे, यहाँ पे नेविगेशन बार, एक मिनट हम देख लेते हैं, यहाँ पे आओ आप, ठीक है? यहाँ पे आओगे तो ये लोडिंग इंडिकेटर है आपका, तो यहाँ पे आप कई सारे इंडिकेटर टाइप चूज़ कर सकते हैं, तो चूज़ कर सकते हो। ठीक है रिफ्लेक्शन भाई मैं जल्द ही आपको करता हूँ, ठीक है भाई? मेंबरशिप ऐप बनाना, ओके मेंबरशिप ऐप बनाऊंगा मैं, ठीक है? जिन्हों के पास नहीं, ओके जिसके पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है, मतलब एक बार फिर से बताओ भाई आप। हाँ शकील भाई वहाँ पे है, अब हो सकता है कि पाकिस्तान में उसने बंद करके रखा हो मेंबरशिप का ऑप्शन, लेकिन है, ठीक है? यहाँ पे आपको मेंबरशिप का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपने अपने मतलब अपने डिवाइस से मैं ओपन नहीं कर सकता, पॉलिसी इशू होता है, इसलिए आप एक बार चेक कर लेना, मेंबरशिप ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है मैं एक बार आपको मेंबरशिप का जो है वो दे देता हूँ, ठीक है? वैसे अभी तक मेरे पास वो मेंबरशिप गिफ्ट करने का आया नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को मेंबरशिप गिफ्ट कर देता।
अब नहीं पता किस दिन हमको वो लोग दे देंगे मेंबरशिप का गिफ्ट करने का जो फीचर होता है, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स को ज़्यादातर मतलब शायद 2 या 3 यूट्यूबर्स को मिल चुका है अभी। ठीक है, आपको मैं यूआरएल दे देता हूँ, आप यहाँ से ले सकते हो। तो मिनिमम ही रखना, ठीक है, ज़्यादा हाई मेंबरशिप मत लेना, आप लोग नॉर्मल मेंबरशिप रखना, ठीक है। ये आप यूआरएल ले लो। दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई, आप कहाँ से सीखे हो? एक्चुअली टोनी भाई, मैं डू आई स्टैंड अ चांस भाई, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। भाई आप कहाँ से सीखे हो? कि मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं फ्लटर फ्लो डेवलपर हूँ पहले से, और फ्लटर डेवलपर भी रह चुका हूँ, इसलिए मेरे को आसान हो गया है सीखते सीखते ये, और स्पेशली मैं काम करते करते सीखा हूँ। रिनी भाई कैसे हो आप? अच्छा आप ही हो क्या आरजे? समझ गया समझ गया समझ गया, सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ पे आरजे शायद आप ही हो ना? ओके थैंक यू भाई मेंबरशिप, थैंक यू यार सुपर चैट देने के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई वॉज टॉकिंग अबाउट गिफ्ट। हाँ भाई समझ नहीं पाया, आप एक बार फिर से बता दो। आई वॉज टॉकिंग अबाउट गिफ्ट। ठीक है एक काम करते हैं ना, अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रीम को एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रिफ्लेक्शन भाई का कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। भाई आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ से बता दो थोड़ा। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ नहीं है रियली बताऊँ, मैं जो है फ्लटर डेवलपर हूँ, साथ साथ में मैं फ्लटर एक्सपर्ट भी हूँ, ठीक है, और मैंने ग्रेजुएशन की है अभी रिसेंट में, और मतलब अभी ग्रेजुएशन मेरी पूरी नहीं हुई है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। आपने नाम सुना होगा एमिटी यूनिवर्सिटी से, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ग्रेजुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ वो नहीं बता सकता आप लोग को, इसलिए मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एमिटी नोएडा से, ठीक है। और मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा है बचपन से, इसलिए मैं कंप्यूटर मुझे अच्छा लगता है। वैसे मैंने इंडिया में एमबीबीएस का भी पेपर दिया था, बट मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने छोड़ के अपना जो हमारा मेरा पसंदीदा चीज़ था कंप्यूटर, मैं उसको चूज़ कर लिया। चलिए ठीक है, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, या तो आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आप लोग को जो हमारा नेक्स्ट सेशन चलेगा अगले सैटरडे को, उसमें मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप लोग की मंजूरी हो तो मैं सेशन एंड कर दूं, या अभी कोई क्वेश्चन बचा हो आप लोग का तो पूछ सकते हो, या तो फिर आप लोग कमेंट में पूछ लेना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ शुड आई एंड सेशन, स्टार्ट पोल करते हैं एक। आप ये बता दो जल्दी से कि अगर मैं ख़त्म करूँ सेशन को तो आप तुरंत वोट करो, ठीक है। और रिफ्लेक्शन भाई आपका मैं तुरंत अभी शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे सब लोग ऐश कर दो अगर एक बार, तो फिर अगर सेशन एंड करवाना है तो आप लोग प्लीज़ बता दो मेरे को। चलिए ठीक है ना, सेशन हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और काफ़ी रात हो गई है, रात क्या हुआ है, दूसरा दिन हो गया, 17 दिसंबर हो गया है, तो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग साथ में, ठीक है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।